गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने एनसीबल का लेक्चर नंबर 35 लेके, जिसमें आज हम एनसीबल का फाइनल लेक्चर में सम अप करेंगे, सारी लास्ट में जो भी टॉपिक्स बचे हैं एनसीबल के उन्हें करके देखेंगे। बुनियादी बात यह है कि जो पिछली लैब आपने एनसीबल की करी है उसी से आगे इसको करना है। अगर गलती से आपने वो मशीन डिलीट कर दी है तो वो पहले पुराना काम कर ले, उसके बाद आज का काम आप करके देखें, तो उससे शायद ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी। डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पुराने एनसीबल के वीडियो जरूर देखें, डायरेक्ट इस लेक्चर पे ना आए। और बाकी सारे टॉपिक्स भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं डेवऑप्स के अंदर। तो कई सारे लोगों को शिकायत रहती है कि सर बाकी के लेक्चर कहां है, तो प्लीज आप मेरे चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें। और कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो यार बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चले एक बार पुरानी बात कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। आई वॉन्ट टू थैंक सिंपली लर्न फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो एंड ऑफरिंग ऑल द व्यूअर्स एन एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन देयर डेटा साइंस मास्टर्स प्रोग्राम विच हैज बीन को डेवलप्ड विद IBM डिलीवर्ड वाया देयर यूनिक ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल। दिस प्रोग्राम कंबाइंस हाई एंगेजमेंट ऑनलाइन क्लासरूम लर्निंग विद वर्ल्ड क्लास कंटेंट एंड फैकल्टी। You can gain hands-on exposure to 30+ in-demand skills and tools including R, SAS, Python, Tableau, Hadoop and Spark. You also get plenty of practice with 15 real-time projects and a capstone project. By purchasing this 12-month comprehensive course, you get lifetime access to all the pre-recorded content, receive $1200 worth of IBM cloud credits, and have access to IBM Watson 24/7. On completing the program, you get industry-recognized IBM certificates and a globally accepted course competition certificate from Simply Learn. I recommend this course to anyone interested in building a career in data science. Click the link in the description to get started. तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले टारगेट सेक्शन को बारे में पढ़ा था कि भैया टारगेट सेक्शन क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि टास्क क्या होते हैं। टास्क के बाद हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के बाद देखा था हैंडलर्स क्या होते हैं। हैंडलर्स के बाद हमने देखा था कि हमारे पास ड्राई रन नाम की भी एक कमांड होती है जिससे हम चेक कर सकते हैं, और लास्ट में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने आपको कवर करवाई थी। आई होप सब कुछ क्लियरली आपका परफेक्ट हो गया होगा। आज हम उससे आगे की बातें करेंगे जिसमें कंडीशंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो कंडीशंस क्या होती हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए कंडीशन कब हम लगाते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो कंडीशंस में इफ और बट हम लोग लगाते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। इसी तरीके की कंडीशन हम यहां भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें कि हमारे पास एक एनसीबल सर्वर जो हमने बनाया हुआ है वो हमारे पास है, और इससे कनेक्टेड हमारे पास नोड्स हैं। तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास 20 नोड तकरीबन हैं, और ये जो 20 नोड हैं इनमें से कुछ नोड ऐसी हैं जो हमारी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती हैं, डेबियन पे चलती हैं, कुछ नोड ऐसी हैं जो हमारी CentOS या अमेजन लिनक्स पे चल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डेबियन फैमिली मशीन है जिसमें डेबियन का कोई भी एक OS इंस्टॉल है, डेबियन फैमिली का उबंटू इंस्टॉल है, ऐसे यहां पर भी उबंटू इंस्टॉल है, और इन मशीनों पर अमेज़न इंस्टॉल है फॉर एग्जांपल। तो हम अगर कोई ऐसी प्लेबुक लिखना चाहते हैं जिसमें इनके अकॉर्डिंग काम हो, अगर डेबियन फैमिली है तो ये वाला काम हो जाए, और लिनक्स फैमिली की मशीन है तो ये वाला काम हो जाए, हम एक ही प्लेबुक में सारे काम लिख दें और ये कहें कि यार एक ही बार में मैंने लिख दिया है, अब जिसके मतलब कि जो चीज हो वो उसको वहां से उठा ले। तो इस तरह की चीजों के लिए हम कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं प्लेबुक के अंदर। तो कंडीशन किस तरीके से लगाई जाती है वो हम देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको पर्पस बता दिया है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने प्लेबुक लिखी है और मुझे डेबियन फैमिली में अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है तो मैं उसकी भी कमांड लिख दूंगा, और अमेज़न फैमिली की अगर मशीन है तो उसमें अगर हमें अपाचे इंस्टॉल करना है तो उसकी भी कमांड लिख दूंगा। ऐसा करने से होगा ये कि जब डेबियन फैमिली की मशीन पे मेरा सर्वर पहुंचेगा काम करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, पुश करेगा कोड को, तो डेबियन वाली कमांड रन हो जाएगी, दूसरी कमांड को वो स्किप कर देगा। ठीक है, तो स्किप वाला जो कॉन्सेप्ट है कि स्किप कैसे होता है, जो चीजें हैं अगर कोई कमांड मेरे मतलब की नहीं है तो वो हम यहां पर देखेंगे।
तो देखिए whenever we have different scenarios से मतलब है कि different type की machines मेरे पास हैं, operating systems मेरे server पे डले हुए हैं, then we put conditions according to the scenario. तो हम उसी के according conditions लगा के playbook को लिखते हैं. Sometime you want, अब when statement का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं कि कब हमें क्या करना है. Sometime you want to skip a particular command on a particular node. कई बार हम उस command को उस node पे skip करना चाहते हैं कि ये इसके मतलब की चीज नहीं है, इसे रहने दे अभी. अब जैसे छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको DevOps अगर वो देख रहा है वीडियो, तो आप क्या कहेंगे, बेटा आपके मतलब की चीज नहीं है, आप रहने दो. ठीक है, तो आप उसे कहेंगे आप पोगो देखने जाके हैं, तो अच्छी बात है. तो अब यहाँ पे देखें, अब ये मैंने एक प्लेबुक लिख दी है. प्लेबुक लिखने का फंडा अब आप आई होप समझ चुके होंगे, तो मैं अब इसे डिस्कस नहीं कर रहा कि ये तीन ये हाइफन क्यों लगाए हैं, ये क्या है, ये मेरा टारगेट सेक्शन है, आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, आप पिछली लैब में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, फिर भी बस एक बार फौरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि होस्ट में हमने डेमो लिया है, यानी इस ग्रुप पे हमें काम करना है. यूजर एज अ एंसिबल यूजर आपने काम करना है. मैंने सुडो प्रिविलेज दे दी है, इसलिए मैंने बिकम को यस कर दिया है और मैंने SSH कनेक्शन यहाँ पे लिया है. ये सारे काम होने के बाद टास्क में इस बार मुझे कंडीशन लगानी है. तो कंडीशन लगाने का तरीका क्या है, आप देखें. आप पहले हाइफन लगा के नेम लिखकर फिर उसके बाद आप कॉलन लिखेंगे, स्पेस देंगे और अपना मैसेज लिखेंगे इंस्टॉल अपाचे ऑन डेबियन, कि अपाचे सर्वर जो है वो डेबियन पे इंस्टॉल कर दो. ये एक मैसेज है, नॉर्मल मैसेज है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद मैंने यहाँ कमांड कॉलन यूज किया है, ये ध्यान दीजिएगा आप, कमांड कॉलन. एक्चुअली में ये जो कमांड है अगर आप ध्यान से देखें तो ये YAML कमांड नहीं है. YAML में कमांड कैसी होती थी, एक्शन कॉलन समथिंग, है ना, या पैकेज नेम, इस तरीके से होती थी. पर यहां पर हमने कैसी कमांड इस्तेमाल करी है, Linux कमांड इस्तेमाल करी है. तो आप Linux कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड मॉड्यूल. ये एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से आप Linux कमांड को चला सकते हैं. ठीक है, तो हम यहां पे कमांड मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमांड कॉलन स्पेस देके apt-get. उबंटू के लिए या डेबियन फैमिली के लिए यम का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यम का इस्तेमाल किया जाता है रेड हैट फैमिली की मशीन के लिए. उबंटू के लिए या डेबियन के लिए कमांड अलग होती है, वहां पे apt-get होती है. स्पेस देके -y लगा लें या बाद में भी लगा सकते हैं. और इंस्टॉल अपाचे 2, तो यहां हमें ये लिखना पड़ेगा. तो ये प्रॉपर कमांड है, बिल्कुल सही आपको लिखनी है. ये मैं लैब में जब आपको करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहां कहां क्या लिखना है, बिकॉज अल्फाबेट भी मेंटर करेगा, कहां कैपिटल लेना है कहां स्मॉल लेना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा. तो इस कमांड में आपको इस तरीके से लिखना है. उसके बाद कंडीशन क्या है, वैन. तो यहां मैंने वैन का इस्तेमाल किया है, वैन Ansible underscore OS underscore family. जब Ansible की OS family क्या हो, Debian हो, यहाँ पे D capital होना चाहिए, small करोगे error आएगा, और inverted comma में close करना है आपको. तो when Ansible family जो है, मेरा जो Ansible की जो node है, ये जो node है, जब इसके ऊपर Debian का operating system चल रहा हो, Debian family का operating system चल रहा हो, for example Ubuntu चल रहा हो, तो आपने ये वाली command run करानी है. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. अब ये नीचे आएगा. इसके बाद यहां पर एक और मैंने कंडीशन लगाई है, नेम इंस्टॉल अपाचे फॉर रेड हैट सर्वर. ठीक है, तो अब मैंने यहां पे एक और कमांड लिखी है, एक और मॉड्यूल लिखा है, कमांड कॉलन स्पेस देके yum-y इंस्टॉल httpd. ये आप दसियों बार कर चुके हैं, yum कमांड आपने बहुत बार चलाई है. अगेन ये एक Linux कमांड है, मैंने आपको बताया कमांड मॉड्यूल चलाकर आप Linux कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हैं. अगर आपको किसी चीज के लिए YAML की स्क्रिप्ट या YAML कमांड नहीं मिल रही है, तो आप कमांड का इस्तेमाल करके, इस वाले कमांड मॉड्यूल का इस्तेमाल करके Linux कमांड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहां मैंने लिखा है yum space -y space install space httpd. यहां मैंने आप install apache 2 नहीं लिखा, install apache 2 मुझे यहां Debian family के लिए लिखना पड़ता है. और आपको पता है कि Red Hat के लिए या Amazon Linux के लिए हम लोग हमेशा httpd को install करते हैं, install apache ही होता है, लेकिन यहां पे उसके लिए नाम क्या है, httpd. तो ये बिल्कुल आपको सही लिखना है, yum -y install httpd. और कंडीशन क्या है, when
Ansible underscore OS underscore family, जब Ansible की OS family, Ansible node की OS family क्या हो? Red Hat हो. यहाँ पर R भी capital होना चाहिए, H भी capital होना चाहिए. ये important है. अगर आपने एक भी चीज़ small कर दी तो आपका error आएगा. तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं. ये सब एक sequence में होना चाहिए, एकदम सिदाई में आपका होना चाहिए. ठीक है ना? टास्क और ये होस्ट जो है ये बिल्कुल सिदाई में होना चाहिए. तो इस तरह की जो बुनियादी चीजें हैं YAML कमांड को लिखने की, ये आपको मालूम होनी चाहिए. तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं. अब देखिए सवाल ये है, आज फॉर एग्जांपल मैं ये कंडीशन ना लगाऊं तो क्या होगा? तो भी आप दो मॉड्यूल लिख सकते हैं. आपने ये वाला मॉड्यूल लिख दिया, ये वाला मॉड्यूल लिख दिया, आपने वैन कंडीशन नहीं लगाई. ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट होंगी हर मशीन पे. तो एक कमांड तो सक्सेसफुल हो जाएगी और एक फेल्ड हो जाएगी. क्यों? क्योंकि या तो ये डेबियन फैमिली का होगा या अमेज़न फैमिली का होगा. अगर ये डेबियन फैमिली का है तो डेबियन फैमिली वाली कमांड तो सक्सेसफुल हो जाएगी, ये वाली अनसक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि फेल्ड हो जाएगी. ऐसा हर मशीन के साथ होगा. एक कमांड सक्सेसफुल होगी, एक फेल्ड हो जाएगी, एक सक्सेसफुल होगी, एक फेल्ड हो जाएगी. तो वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम उस तरीके की जो है कोड लिखें, अपनी प्लेबुक को लिखें. प्लेबुक को लिखने के अपने एक सलीके होते हैं. तो आप उसमें क्या करें कि आप वहां पे कंडीशन लगा दें. अब आपकी कोई भी कमांड फेल्ड नहीं होगी, वो स्किप हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो उसके मतलब की नहीं है. ठीक है ना? दोनों चीजों में फर्क है. आप दोनों नॉर्मल कंडीशन, बिना कंडीशन लगाए भी आप प्लेबुक चला सकते हैं. उसमें होगा ये कि एरर आएंगे. आपका एक सक्सेसफुल होगा, एक एरर दिखाएगा, एक सक्सेसफुल होगा, एक एरर दिखाएगा. मसला कोई नहीं है, काम तब भी आपका हो गया. बट बेटर ये है कि आप कंडीशन लगा के करें, सो दैट जो काम इसके मतलब का है वो हो जाए, जो इसके मतलब का नहीं है ये उसको स्किप कर दे. क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ दो कंडीशन है, हो सकता है यहाँ पे 10 कंडीशन लिखी हो. अब अगर आप वहां पे कंडीशन नहीं लगाएंगे और एक नॉर्मल प्लेबुक में नॉर्मल आप टास्क लिखते चले जाएंगे तो होगा क्या कि एक टास्क सक्सेस होगा, नो उसके मतलब के नहीं है, नौ बार वो कंडीशन फेल्ड दिखाएगा, फेल्ड करता जाएगा वो. तो एरर्स की एक भरमार हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, और वो रीड करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये एरर कहां और किस चीज का आया है. तो ये बुनियादी डिफरेंस है कंडीशंस के बारे में और नॉर्मल टास्क के बारे में. तो आई होप कंडीशन क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं लैब पे और वहां पे अब इस चीज को करके दिखाता हूं और बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाऊंगा. यानी पहले मैं अपनी अमेज़न अकाउंट में जाके मशीनों को स्टार्ट करूंगा, पुट्टी के थ्रू एक्सेस करूंगा और फिर सारी चीजें दिखाऊंगा. मैं कुछ भी स्किप इसलिए नहीं करता हूं ताकि जो नॉन टेक्निकल पर्सन है जिनको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत आ सकती है कि यार सर ने ये काम कैसे किया, मेरी नहीं समझ आ रहा, तो वो उनको दिक्कत ना आए. फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा फेसबुक ग्रुप जो है टेक्निकल गुफ्तगु ऑफिशियल, आप उस पे कनेक्ट हो सकते हैं. लेकिन वहां हमने कंडीशन लगाई हुई है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां पे ऐसे लोग आ जाएं जो बेवजह के पोस्ट करें या बेवजह की बातें पूछें. इसीलिए वहां पे आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है उसका डिटेल, आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्रुप को ज्वाइन करते टाइम, उसे आप फिल कर दें, अपना लिंक्डइन अकाउंट वहां पे मेंशन कर दें और उसके बाद आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. और एक कंडीशन शायद और है वहां पे कि आपको हमारी जो वीडियो है, कोई भी एक वीडियो, उसको अपने फेसबुक पे शेयर करना है और उस शेयर किया हुआ जो लिंक है वो वहां पे आंसर में लिखना है. तो चले अच्छी बात है, पर आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं. इवन आप लिंक्डइन को ज्वाइन करें, मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूं. और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें हमारे वीडियोस को शेयर करने की, हमें सपोर्ट करने की. तो चलिए चलते हैं अपनी लैब के ऊपर. तो लो जी आ गए अपनी लैब के ऊपर और अभी हमने कंडीशनल के बारे में पढ़ा है अपने बोर्ड पे. तो अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूं. तो सबसे पहले सर्विसेज में चलते हैं और अपने एंसिबल सर्वर को और दोनों नोड्स को स्टार्ट कर लेते हैं. तो आप यहाँ पे इंस्टांसेस ऑल स्टेट्स पे क्लिक करें. यहाँ पे देखें मेरा एंसिबल सर्वर और जो नोड वन नोड टू है तीनों स्टॉप हैं. तो तीनों को सिलेक्ट करिए और यहाँ इंस्टांस स्टेट में जाके स्टार्ट इंस्टांस पे क्लिक करिए. एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ. तो तीनों मशीनें रेडी हो गई हैं. अब मैं इन तीनों को वन बाय वन पुट्टी के थ्रू एक्सेस करता हूं. तो सबसे पहले एंसिबल सर्वर को सिलेक्ट करें और इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लें आप. और इसे कॉपी करने के बाद मैं चलता हूं अपने पुट्टी पर और पुट्टी को ओपन करते हैं. बाद यहां पे आप पब्लिक आईपी पेस्ट करें, SSH में जाएं, auth में जाएं, ब्राउज करें और डेस्कटॉप पे जो मेरी पुरानी की है जो मैंने लास्ट टाइम जब मैंने सर्वर बनाया था तो वही की मुझे हर बार इस्तेमाल करनी है. तो ये ansible.key.ppk इसे मैं ओपन करता हूँ. ओपन करता हूँ और यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन एज आ रहा है. इसे आप बड़ा करें और यहाँ पे ec2-user एंटर. और अब मैं चेंज सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे अपीयरेंस पे जाता हूँ,
चेंज में जाता हूँ और यहाँ पे कितना करना है 16 और बोल्ड और ओके कर दें। और कलर्स में जाके आप इसको बोथ कर दें, यूज सिस्टम कलर अप्लाई, तो ये मेरा आ गया है। यहाँ पे sudo स्पेस su कर लें आप, और यहाँ पे sudo hyphen ansible, एज अ मेरे को ansible यूज़र करना है तो मैं ansible यूज़र बन गया हूँ, तो ये मेरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जाके एक काम और कर लेते हैं, चेंज सेटिंग में कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देते हैं, 20 कर देते हैं, अप्लाई करते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये काम तो हो गया। अब दूसरी नोड को आते हैं, दूसरी नोड वन जो है हमारी ansible सर्वर के बाद, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं और वही काम है। ये तो आपके पुराने स्टेप्स हैं, आपको पता होंगे, और जो फर्स्ट टाइम इस लैब को देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले पुरानी सारी लैब देखें, तब ये आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ नहीं आएगा। डेस्कटॉप पे जाइए, यहाँ पे ansible की डॉट पी पी के इसके लिए भी ओपन करें, यहाँ पे भी यही आएगा वार्निंग मैसेज, यस करें, मैक्सिमाइज़ करें, चेंज सेटिंग में जाएं, यहाँ पे अपियरेंस पे जाएं, चेंज करें, और यहाँ पे भी 16 करके बोल्ड कर दें, ओके करें, कलर्स में जाएं और फोरग्राउंड कलर आप मॉडिफाई कर लें, यहाँ पे रेड ले लें, ओके करें, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी मॉडिफाई करें, ग्रीन ले लें, ओके करें, अप्लाई करें। फॉन्ट नहीं दिख रहा है मेरे को, तो कलर में जाके फोरग्राउंड कलर जो है वो हम रेड कर लेते हैं, ओके अप्लाई। तो ये मुझे नज़र आ रहा है EC2 hyphen user, तो ये भी मेरा लॉगिन हो गया नोड वन। नोड वन का आईपी वही है 240 जो मेरी पिछली लैब में चलता आ रहा है। यहाँ पे आपको sudo su करना पड़ेगा, एंटर करें, फिर su space hyphen space ansible और एंटर करें, ये मेरा ansible यूज़र बन गया। इसका भी कनेक्शन सेट कर देता हूँ मैं, चेंज सेटिंग में जाके कनेक्शन टाइम आउट 20 कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। अब तीसरी जो है यानी कि नोड टू जो है मेरा, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके पब्लिक आईपी पे आते हैं, या इसका पब्लिक आईपी है, कॉपी करते हैं, दोबारा से पुटी को ओपन करते हैं, यहाँ पे इसका पब्लिक आईपी पेस्ट करते हैं, एसएसएच में जाते हैं, ऑथ पे जाते हैं, ब्राउज़ करते हैं, डेस्कटॉप में ansible की डॉट पी पी के ओपन करें, यहाँ पे ओपन करें, यहाँ पे यस पे क्लिक करें और इसको भी लॉगिन एज EC2 hyphen user करके एंटर करें, और यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाएं, यहाँ पे अपियरेंस में जाएं, चेंज करें, 16 बोल्ड, ओके, कलर में जाएं, फोरग्राउंड कलर अप्लाई, कुछ भी दे दें कलर तो कोई मसला नहीं है, नीला दे देते हैं, ओके। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे ये वाला दे देते हैं, ओके अप्लाई, और ये हो गया है जी। यहाँ पे भी sudo space su एंटर करें, फिर sudo space hyphen space ansible एंटर करें, तो तीनों जगह ansible यूज़र मैंने बना दिया है। इसका भी हम कनेक्शन सेट कर देते हैं और यहाँ पे इस वैल्यू को 20 कर देते हैं ताकि कनेक्शन टाइम आउट ना हो हमारा, और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। तो ये काम हमारा हो गया। और कंडीशनल की अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, थ्योरी में सब कुछ समझा चुका हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा और सीधा आपको प्लेबुक बना के दिखाता हूँ कंडीशनल की। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक प्लेबुक क्रिएट कर लेते हैं, तो इसके लिए VI और प्लेबुक का नाम क्या रखना है, हम रखते हैं condition.yml। तो हम अपनी फाइल का नाम condition.yml कर देते हैं, एंटर करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आई प्रेस करें, और अब मैं आपको प्लेबुक लिख के दिखाता हूँ। तो प्लेबुक लिखने के लिए आपको तीन बार हाइफन लगाना है, ये स्टार्ट का निशान होता है, उसके बाद स्पेस देके आप हैश लगाएं और फिर आप लिखें यहाँ पे कंडीशंस या कंडीशनल प्लेबुक, ठीक है। तो ये मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया, आप एंटर करें, हाइफन लगाएं, स्पेस देके होस्ट कॉलन स्पेस दें और लिखें आप डेमो, एंटर, यूज़र, यहाँ पे फिर कॉलन लगाएं, स्पेस देके लिखें यूज़र का नाम क्या है, ansible, एंटर, उसके बाद sudo प्रिविलेज देने के लिए become कॉलन
यस स्पेस देके एंटर, उसके बाद कनेक्शन कॉलन लगाएं और लिखें SSH, एंटर, उसके बाद लिखें टास्क कॉलन लगाएं, एंटर, हाइफन नेम कॉलन लगाएं और यहाँ पे लिखें इंस्टॉल अपाचे सर्वर फॉर डेबियन फैमिली। ये मैसेज है, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, स्मॉल में कैपिटल में कोई मसला नहीं है, एक जस्ट काइंड ऑफ मैसेज है। एंटर, यहाँ पे आप अब लिखें कमांड, ये जस्ट एन के नीचे होना चाहिए अदरवाइज एरर आएगा, तो एक स्पेस आप दे दें पहले। अब लिखें कमांड, उसके बाद कॉलन, स्पेस देके APT हाइफन गेट हाइफन वाई इंस्टॉल स्पेस अपाचे 2। ये कमांड आपने दे दी, और लेकिन ये कब चलानी है, वैन एंसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली स्पेस इक्वल टू स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डेबियन। जब आपकी डेबियन फैमिली होगी तब आपने ये चलाना है, ठीक है। तो देखें ये कलर अपने आप चेंज हो रहे हैं, डेबियन रेड में नज़र आ रहा है। एंटर करें, नेम, अब मैं दूसरी कंडीशन लगाता हूँ, कॉलन स्पेस इंस्टॉल अपाचे सर्वर। क्या करना है आपने, कमांड इज कमांड कॉलन स्पेस यम हाइफन वाई इंस्टॉल httpd, एंटर, वैन कॉलन स्पेस एंसिबल अंडरस्कोर ओएस अंडरस्कोर फैमिली स्पेस इक्वल टू स्पेस इन्वर्टेड कॉमा रेड हैट। जब रेड हैट फैमिली हो तो आपने क्या करना है, httpd इंस्टॉल करना है यम कमांड के साथ, और डेबियन फैमिली के लिए जो कमांड चलानी है वो apt-get चलानी है, apt-get। तो डेबियन के लिए ये कमांड होती है और रेड हैट के लिए यम कमांड होती है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, उसके बाद हम कहते हैं एस्केप कॉलन wq कर दो आप, सेव एंड क्विट एंटर। तो ये मैंने लिख दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस कमांड को चला के देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी दोनों मशीन पे जाके पहले ये चेक करना है कि क्या इन पे httpd है तो नहीं, अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इसे रिमूव करें, sudo yum remove httpd-y। तो आप इसे पहले रिमूव कर लें, तो ये यहाँ पे रिमूव हो गया। ऐसे ही आप दूसरी मशीन में जाएं, ये नोट 2 है मेरा, यहाँ पर भी सेम कमांड चलाएं, sudo yum remove httpd-y, एंटर। तो ये भी मेरा रिमूव हो गया, दोनों जगह से मैं रिमूव कर चुका हूँ। अगर मैं अब आपको दिखाऊं which httpd, तो नो नज़र आएगा, नो httpd, ठीक है। तो अब मैं अपने Ansible सर्वर पे चलता हूँ और देखता हूँ ये प्लेबुक चला के, जिसमें मैंने कंडीशन दी है कि भैया अगर मेरा रेड हैट फैमिली है तो आप यम कमांड से उसको इंस्टॉल कर दें httpd को, और अगर डेबियन फैमिली है तो apt-get से आप उस कमांड को चलाएं। तो अब हम कमांड चलाते हैं Ansible-playbook स्पेस दे के कंडीशन, क्या नाम था मेरी फाइल का, कंडीशन .yml, तो ये मेरी फाइल का नाम है। एंटर करते हैं, एरर आ रहा है। तो हम सबसे पहले अब अपनी, हमारा एरर आ रहा है तो इसके लिए हमें काम करते हैं, पहले अपनी इस फाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने गलती क्या कर दी है। पहले कीबोर्ड का आई प्रेस करें और मैं आपको दिखाता हूँ, हमने गलती ये कर दी है कि हमने ना दोनों जगह यहाँ पे जो है हाइफन के साथ स्पेस नहीं लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि हमने हाइफन के साथ स्पेस लेना है,
और ये मैं हाइफ़न जो है मैं हाइफ़न लगा के स्पेस मुझे देना था, और ऐसे ही यहाँ पे भी नेम में जो है मुझे हाइफ़न लगा के स्पेस देना था, हाइफ़न स्पेस। अब जो ऊपर की मेरी सारी चीज़ें हैं वो भी मुझे इसके सीक्वेंस में लानी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो मुझे बाकी सारी कमांड्स जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो चीज़ें, वो मुझे जस्ट इसके बिल्कुल नीचे लानी पड़ेंगी सीक्वेंस में। अब ये परफेक्ट है, ठीक। और अगर हमने अल्फ़ाबेट्स का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो ये उसको नहीं समझता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेड हैट में मुझे रेड और आई थिंक एच को भी कैपिटल लेना पड़ेगा, रेड हैट, तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही फैमिली का नाम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो मैंने डेबियन में डी कैपिटल कर दिया है और रेड हैट में आर और एच कैपिटल कर दिया है, और बाकी यहाँ मैंने ये हाइफ़न लगाया है स्पेस देके, हाइफ़न लगा के स्पेस आपको नेम लिखना है, हाइफ़न लगा के यहाँ नेम लिखना है, स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में, हाइफ़न और इसके बीच में आपको नज़र आ रहा है, और ये सब एक लाइन में होना चाहिए बिल्कुल नीचे। ऐसे ही ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल नीचे सिमेट्री में होना चाहिए। तो अब हम बिल्कुल परफेक्ट लिख चुके हैं, अब कोई मसला नहीं आना चाहिए। तो एस्केप करते हैं, कॉलन डब्ल्यू क्यू करते हैं और एंटर करते हैं, और इस बार देखिए जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो कोई एरर मेरे पास नहीं आएगा, ना ही कोई चीज़ स्किप होगी, बल्कि ये HTTPD इंस्टॉल कर देगा। एंटर करिए, ये देखिए बात समझ आ गई आपको। तो इसको परफेक्ट आपको वही चीज लिखनी पड़ेगी जिसे ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। देखिए इस बार इसने HTTPD इंस्टॉल कर दिया, और क्योंकि डेबियन फैमिली में कुछ भी नहीं था तो उसे स्किप कर दिया, ठीक है। तो एक टास्क इसने स्किप किया है और एक चेंज किया है, और टोटल इसने दो काम किए हैं। क्या क्या? एक इसने हमें फैक्ट्स ला के दिए हैं, दोनों का आईपी एड्रेस ला के दिया है पब्लिक, सॉरी प्राइवेट, और दूसरा इसने वहां पे अपाचे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो काम तो इसने एक ही किया है, ठीक है, और क्योंकि डेबियन फैमिली की कोई मशीन अवेलेबल नहीं थी तो उसको इसने स्किप कर दिया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा। छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग भी बीच में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जो भी बीच में कहीं मसला आ रहा है कोड में लिखते समय प्लेबुक को, तो प्लेबुक भी बीच बीच में जो एरर्स आ सकते हैं वो मेरे साथ भी आ रहे हैं, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, सो दैट आप उसे परफेक्टली कर सके, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ नोड में जाके ये काम कि HTTPD अवेलेबल है या नहीं है। तो ये देखें अवेलेबल हो गया है, दोनों मशीनों पे इंस्टॉल हो गया। मैं यहां भी चेक करा देता हूं विच HTTPD, और ये देखें यहां भी अवेलेबल है, तो दोनों मशीन पे ये इंस्टॉल हो चुका है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ कि वॉल्ट किसे कहते हैं और वॉल्ट के थ्रू हम अपने फाइल को प्लेबुक को कैसे एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा वोल्ट का। और अब एक काम करते हैं पहले वोल्ट में करने के लिए, क्योंकि हम इसी प्लेबुक का इस्तेमाल कर लेते हैं जो अभी तक हमने यूज़ की है। एंटर करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये हम अभी इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने कुछ नहीं किया था, सिलेक्ट किया है, कुछ मैंने प्रेस नहीं किया, उसके बाद जस्ट नोट पैड पे जाएं और कंट्रोल वी कर दें, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं आपको करना है, अब आप एस्केप करके कॉलन क्यू दबाएँ और आप बाहर आ जाएंगे। तो मैं अब कंट्रोल एल कर देता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ और वोल्ट वाला काम आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसके चोरी होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है कि डेटा या मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई और बंदा ना चुरा ले, या मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा लिखा हुआ कोड कोई और बंदा ना इस्तेमाल कर ले। यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके अपनी प्लेबुक लिखी है और हो सकता है कोई और बंदा आके उसको ओपन करके देखना चाहे इसने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्लेबुक को एनक्रिप्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी उसे खोल के देखना चाहे तो वो देख ही ना पाए। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप कर दें कि बिना पासवर्ड के वो खुलेगा ही नहीं और पासवर्ड सिर्फ आपको मालूम होगा। तो उसके लिए एंसिबल प्लेबुक में जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब भी तिजोरी होता है,
तो आप अपनी तिजोरी में अपने डेटा को यानी कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में रख सकते हैं, जिससे कि कोई और बंदा उसे ना देख पाए और जब भी वो उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करे तो उससे वो पासवर्ड मांगे और पासवर्ड उसके पास होगा नहीं तो कोई देख ही नहीं पाएगा, और अगर वो नॉर्मली उसे ओपन करने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ VI तो भी वो नहीं कर पाएगा। देखिए जनरली हम जब प्लेबुक बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं VI और प्लेबुक .yml, इस तरीके से हम अपनी प्लेबुक बनाते हैं। ये नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीके से प्लेबुक हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, VI के थ्रू क्रिएट करते हैं और अपना अपना जो भी कोड है वो प्लेबुक के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फाइल को एनक्रिप्टेड बनाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, देखिए वोल्ट क्रिएट करने के, अगर आप पहले से बना चुके हैं उसे एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, बनी हुई प्लेबुक को ही एनक्रिप्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप बनाते टाइम ही एनक्रिप्टेड प्लेबुक बनाना चाहते हैं वो काम भी आप कर सकते हैं, यानी आप नहीं बना रहे हैं उसको एनक्रिप्टेड बना सकते हैं, और अगर पहले से कोई अनएनक्रिप्टेड पड़ी है जो अभी तक एनक्रिप्टेड नहीं हुई है उसको भी आप एनक्रिप्टेड कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। तो वॉल्ट का मतलब क्या है, आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देना सो दैट कोई और उसको रीड ना कर पाए। एंसिबल अलाउज कीपिंग सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड और कीज इन एनक्रिप्टेड फाइल्स रादर देन अ प्लेन टेक्स्ट इन योर प्लेबुक। तो एंसिबल में ये तरीका हमारे पास है जिससे कि आप उसे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रख सकते हैं, उसके लिए जो कमांड है वो वॉल्ट होती है। तो अगर आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, एक नई प्लेबुक बनाना चाहते हैं और एनक्रिप्टेड ही बनाना चाहते हैं, एनक्रिप्टेड मतलब आप जब लिखेंगे तो नॉर्मल लिखेंगे लेकिन उसके बाद सिर्फ आप ही उसे ओपन कर पाएंगे, कोई और उसे ओपन करने की कोशिश करेगा VI कमांड के थ्रू तो उसको एनक्रिप्टेड डेटा 1, 2, 3, 4 इस तरीके के नंबर नजर आएंगे, उसे डेटा नजर नहीं आएगा। तो उसका तरीका क्या है, देखिए नॉर्मली हम VI के थ्रू क्रिएट करते थे लेकिन जब आप एनक्रिप्टेड प्लेबुक बनाना चाहते हैं तो कमांड हो जाती है Ansible-Volt, ठीक है Ansible-Volt, और क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट लिखेंगे, सिंपल क्रिएट लिखना है और अपनी प्लेबुक का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपनी प्लेबुक का नाम दे रहा हूं volt.yml, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप xyz.yml भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप volt ही लेंगे, तो आप कुछ भी ले सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो आपने यानी अगर एनक्रिप्टेड प्लेबुक बनानी है तो बनाने का तरीका क्या है, Ansible-Volt स्पेस देके क्रिएट और अपनी फाइल का नाम, जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपसे एक पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा कि आप इसका पासवर्ड क्या देना चाहते हैं, अपनी मर्जी का पासवर्ड दे दें, फिर ये दोबारा उसको पासवर्ड को कंफर्म करने के लिए कहेगा, फिर पासवर्ड दे दें और अब आपकी प्लेबुक ओपन हो जाएगी, समझ आ रही है बात। तो अब उस पासवर्ड के थ्रू नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे उस पासवर्ड के थ्रू ओपन होगी, उसके बिना वो ओपन ही नहीं होगी। अब अगर आप अपनी इसी एनक्रिप्टेड फाइल को, आपने एनक्रिप्ट तो कर दी लेकिन अब आप एनक्रिप्ट को उसको एडिट करना चाहते हो, उस प्लेबुक में कुछ नया कुछ लिखना चाहते हो, तो आप एडिट कैसे करोगे, VI के थ्रू तो होगा ही नहीं, क्योंकि VI के थ्रू करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एनक्रिप्टेड डेटा नजर आएगा। तो एडिट करने के लिए जो कमांड होती है दैट इज Ansible-Volt, अब क्रिएट की जगह एडिट लिख दो और अपनी प्लेबुक का नाम लिख दो, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, पर ऐसे ओपन नहीं होगी, आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डालेंगे तब वो ओपन होगी, ऐसे ही ओपन हो जाएगी तो फिर सिक्योरिटी कहां रह गई, राइट। तो पासवर्ड आप डालेंगे ओपन हो जाएगी। अब वो पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या कमांड है, Ansible-Volt तो रहेगा ही रहेगा, स्पेस देकर रीकी आपको लिखना है, रीकी का मतलब मैं दोबारा नाम देना चाहता हूं, दोबारा पासवर्ड देना चाहता हूं, आप रीकी कर दें और जिस का पासवर्ड, जिस प्लेबुक का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस प्लेबुक का नाम यहां पर लिख दें, आपके प्लेबुक का जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी कमांड है, और भी 10-20 तरह की कमांड आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, अगर मैंने पहले से प्लेबुक जो बहुत सारी बनाई हुई हैं, जो ऑलरेडी हम लैब में बना चुके हैं, उनको मैं एनक्रिप्ट करना चाहता हूं तो क्या तरीका है, तो सिंपल सा तरीका है, कमांड स्टार्टिंग वही रहेगी Ansible-Volt, अब की बार एनक्रिप्ट लिखना है, क्रिएट नहीं लिखना, क्रिएट का मतलब तो नई मैं प्लेबुक बना रहा हूं और एनक्रिप्टेड बना रहा हूं, पर अगर मेरी पहले से बनी हुई है और उसको एनक्रिप्ट करना है तो मुझे यहां एनक्रिप्ट लिखना पड़ेगा, Ansible-Volt स्पेस देके एनक्रिप्ट और स्पेस देके जिस भी प्लेबुक को आप एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, जैसे मेरे केस में target.yml की एक फाइल मेरे ख्याल से वहां पड़ी है तो उसको मैं अगर एनक्रिप्ट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, तो मैं उसका नाम दूंगा, फिर ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा कि आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगा दें, उसको कंफर्म कर दें और आपकी वो जो फाइल है वो एनक्रिप्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप VI करके target.yml खोलने की कोशिश करोगे तो आपको क्या आएगा, आपको अजीब से नंबर नजर आएंगे बहुत सारे, जो उससे पता चलेगा कि ये फाइल एनक्रिप्टेड है। और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, AES-256 लेटेस्ट जो एनक्रिप्शन टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये टेक्निक आजकल सब जगह इस्तेमाल होती है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, तो सबसे लेटेस्ट है। अब अगर आप
परेशान हो गए हैं कि यार मैंने लगाया था टेस्टिंग के लिए लेकिन बार बार मुझे पासवर्ड देना पड़ता है, मैं खुद भूल जाता हूँ, एक काम करता हूँ उसे डिक्रिप्ट कर देता हूँ, परमानेंटली डिक्रिप्ट कर देता हूँ और फिर उसे कोई भी खोल सकता है VI के थ्रू। तो उस एनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करने का क्या तरीका है? Ansible-Volt, और अब की बार एनक्रिप्ट की जगह क्या लिखना है? डिक्रिप्ट लिख दो और स्पेस देके उस प्लेबुक का नाम जिसे आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं, पर कंफर्म ये रहे कि वो पहले से एनक्रिप्ट होनी चाहिए तभी डिक्रिप्ट होगी। पहले से डिक्रिप्ट है तो डिक्रिप्ट कहां से होगी? एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बुनियादी बातें हैं, आई होप ये भी आपको समझ आ गई होंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप लैब में करके देखें, मैं आपको भी लैब करा रहा हूं, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। और उसके ज्यादा डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो गूगल करें, गूगल पे जाएं, बहुत सारी डिटेल आपको इसकी मिल जाएगी। बट आई होप, आई थिंक इंटरव्यू के पर्पस से यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो बस अगर आपको इतनी भी याद है तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं लैब में और जरा इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो आपने वोल्ट के लिए लिखना है Ansible-Volt, सो दैट आप एक नई फाइल क्रिएट कर सके। इस बार हम VI का इस्तेमाल नहीं कर रहे और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं volt.yml, एंटर। अभी आपसे पासवर्ड पूछेगा तो मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ टेक्निकल, जो आपको दिखेगा नहीं पर मैंने दे दिया है। एंटर करते हैं। अभी हम उससे दोबारा पासवर्ड पूछेगा, दोबारा मैं वही पासवर्ड डालूंगा टेक्निकल। एंटर करते हैं और ये देखें मैं अपने प्लेबुक के अंदर आ गया हूँ। आई प्रेस करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकूँ और मैंने इसीलिए नोटपैड पे इसे पेस्ट कर लिया था सो दैट अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ ला के माउस का राइट क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट हो गया है मेरा। बट ये आई थिंक मेरा दो बार पेस्ट हो गया है। ओके, तो मैं इसको एक को हटा देता हूँ यहाँ से। एस्केप कॉलन WQ, एंटर। तो ये मैंने अपनी एक फाइल बना दी है और अगर मैं अब इसी फाइल को जो मैंने बनाई है volt.yml, अगर मैं इसको VI के थ्रू देखना चाहूँ तो आप देखिए मुझे क्या नज़र आता है। volt.yml मैं अगर इसे नॉर्मली ओपन करूँगा तो मुझे एनक्रिप्टेड डेटा नज़र आ रहा है जिसमें कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है, AES-256 लगा हुआ है जो बिल्कुल लेटेस्ट एल्गोरिथम है, और इस तरह की वैल्यू नज़र आएगी, यानी कुछ भी नज़र नहीं आएगा एक तरीके से। एस्केप करके कॉलन WQ करें, या सॉरी क्यू करें, बाहर आ जाएं, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही कोई भी बंदा अगर इस फाइल को अब देखना चाहेगा तो उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद इससे कुछ काम करना चाहते हैं, खुद आप इस डेटा को ओपन करके देखना चाहते हैं, तब आप कैसे देखेंगे? Ansible-Volt स्पेस एडिट स्पेस फाइल का नाम, जो कि मेरी फाइल का नाम क्या था, volt.yml, और एंटर करिए। और ये अब आपसे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड मैंने क्या रखा है, टेक्निकल। एंटर करिए और ये देखिए मेरी फाइल खुल गई। यानी इसे सिर्फ वही खोल पाएगा जिसके पास इसका पासवर्ड है, अदरवाइज कोई नहीं खोल पाएगा इसको। ठीक है, अब आप जो भी चेंजेस चाहें आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें, इस तरीके से ये आपकी फाइल खुल जाएगी, प्लेबुक खुल जाएगी। एस्केप करके कॉलन क्यू करके बाहर आ जाएं, मैंने आपको दिखा दिया ये काम कैसे करना है। अब मैं अगर इसी का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूं तो क्या तरीका है? Ansible-Volt स्पेस रीकी कमांड आपको चलानी पड़ेगी और आपको अपनी प्लेबुक का नाम लिखना है जो है volt.yml, एंटर। अब ये आपसे पूछेगा कि अपना पुराना पासवर्ड डालिए, तो मेरा पुराना पासवर्ड है टेक्निकल, एंटर करता हूँ। ये कहेगा नया पासवर्ड क्या देना चाहते हो, मैं कहता हूँ नया पासवर्ड दे दो राजपूत, एंटर। कंफर्म न्यू पासवर्ड, मैं कहता हूँ राजपूत, एंटर। तो ये देखें मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अब ये तो रही बात कि जब मैं कोई नई फाइल क्रिएट करता हूं तो उसे कैसे एनक्रिप्ट कर सकता हूं, उसका पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे, मैंने आपको बताया कि अगर एग्जिस्टिंग प्लेबुक को मुझे एनक्रिप्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले LS करके देखते हैं कौन कौन सी प्लेबुक पड़ी है मेरे पास। तो ये सारी प्लेबुक मेरे पास हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं handlers.yml, मैं इसको ओपन करके देखता हूं, ये मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंटर करता हूँ, तो देखें ये मेरी प्लेबुक खुल गई है। एस्केप करके कॉलन क्यू कर लें, बाहर आ जाएं। अभी ये प्लेबुक ओपन हो रही है VI से। अब मैं इसको एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा,
कमांड चलाऊंगा एंसिबल हाइफन वोल्ट स्पेस एनक्रिप्ट स्पेस इस फाइल का नाम, तो आप हैंडलर्स डॉट वाई एम एल को यहां पे पेस्ट कर दें माउस का राइट क्लिक करके, एंटर करें। अब ये आपसे पूछेगा न्यू वॉल्ट पासवर्ड, इसका पासवर्ड क्या देना है, मैं कहता हूं राजपूत ही दे दो, एंटर करें नया। अब इस पासवर्ड को आप क्या दोबारा से बताएं, तो मैं कहता हूं राजपूत है, एंटर करें। तो दोनों बार मैंने पासवर्ड कर दिया, एनक्रिप्शन हो गया। अब अगर मैं इसी फाइल को दोबारा खोलूंगा तो क्या मसला होगा, ये देखिए मैं पेस्ट करके इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं वीआई के थ्रू। ये देखें मुझे अब एनक्रिप्टेड दिख रहा है, यानी क्या हुआ, मेरी प्लेबुक जो है एनक्रिप्टेड हो गई, अब इसे कोई नहीं देख सकता। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्लेबुक को भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, ये भी आपको समझ आ गया एग्जिस्टिंग को कैसे करना है। अब आप कहेंगे सर आपने एनक्रिप्ट करना सिखा दिया, डिक्रिप्ट कैसे होगी अगर हमें इसी फाइल को डिक्रिप्ट करना है, तो क्या कमांड है, बड़ी सिंपल कमांड है, वही कमांड एंसिबल हाइफन वॉल्ट, ये तो कमांड कॉमन है। उसके बाद एनक्रिप्ट की जगह आप डिक्रिप्ट लिख दें, एंटर करें, और अब अपनी फाइल का नाम जो आपकी एनक्रिप्टेड फाइल है जिसे आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं उसे लिख दें, और उसके बाद एंटर करें। अब ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि जब तक आप पासवर्ड नहीं बताएंगे ये डिक्रिप्ट नहीं करेगा, और पासवर्ड सिर्फ ओनर को मालूम होगा। तो मैंने राजपूत डाल दिया, एंटर करते हैं, फाइल डिक्रिप्ट हो गई। अब मैं इसी फाइल को दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा तो अब ये ओपन हो जाएगी, क्योंकि अब ये एनक्रिप्ट नहीं रह गई है। तो मैं इसे पेस्ट करता हूं, ये देखिए अब मुझे ये फाइल नजर आ रही है, क्योंकि अब ये एनक्रिप्टेड नहीं है। तो कॉलन क्यू करके बाहर आ जाए। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि भैया एनक्रिप्ट कैसे होगी, डिक्रिप्ट कैसे होगी, एग्जिस्टिंग फाइल को हम कैसे जो है एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, एंसिबल के, जो थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई होप वो भी आपको समझ आ जाएगा, जो है रोल्स का। तो पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लैब में करके दिखाता हूं। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है एंसिबल का, वो है रोल्स। ये एक एडवांस टॉपिक है और इसको भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में इस लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है कि रोल किसे कहते हैं। तो देखिए रोल को समझने के लिए पहले आपको बुनियादी बातें समझनी पड़ेंगी कि रोल आखिर हम क्यों क्रिएट करते हैं या इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जरा आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि देखिए जब मैं प्लेबुक बनाता हूं तो प्लेबुक के अंदर हम कई सारी चीजें मेंशन करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि भाई हम टारगेट डिफाइन करते हैं, हम टास्क डिफाइन करते हैं, हम हैंडलर्स डिफाइन करते हैं, हम कंडीशंस डिफाइन करते हैं, हम बहुत सारे काम हैं जो हम यहाँ पे करते हैं। अब मैंने तो आपको क्योंकि टेस्टिंग करके दिखा रहा था तो मैंने आपको छोटी मोटी टेस्टिंग लैब्स करके दिखाई, लेकिन रियल टाइम में जो टास्क होते हैं वो हमारे पास 10, 20, 50 होते हैं, 50 काम होते हैं। हैंडलर्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हर टास्क के अंदर मल्टीपल हैंडलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इवन वेरिएबल्स भी हमें डिफाइन करने होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं उस टास्क के अंदर। तो कुल मिला के एक प्लेबुक बहुत बड़ी होती है जिसमें बहुत सारे काम हम उसे बताते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हम जगह जगह डिफाइन करते हैं, बहुत सारे हैंडलर्स हम डिफाइन करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वहां पे करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब प्लेबुक बहुत बड़ी हो जाती है, 10 पन्नों की, 20 पन्नों की, फॉर एग्जाम्पल एक आपको नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब प्लेबुक बहुत बड़ी हो जाती है तो ये समझना मुश्किल होता है कि यार कौन सा टास्क है और कौन सा हैंडलर इस पर डिपेंडेंट है, कौन सी चीज मैंने कहां मेंशन करी है, कितने हैंडलर मैंने इस प्लेबुक में डिफाइन करे हैं, कितनी डिपेंडेंसीज है मतलब, या कितने वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करे हैं। सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती है, हॉचपॉच हो जाता है कि कौन सी चीज कहां पड़ी है। तो इसके लिए हम यहां पे रोल डिफाइंड करते हैं। तो अब इसको पहले मैं आपको ना एक लोकल भाषा में समझाता हूं कि रोल से मुराद क्या है, क्या मतलब है। देखिए रोल अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं एक कंपनी के अंदर, तो एक कंपनी के अंदर हम एक मार्केटिंग मैनेजर बनाते हैं, ठीक है। एक मार्केटिंग मैनेजर हमारे पास होता है और एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होती है हमारे पास जो एचआर हेड होती है, अक्सर ये खूबसूरत हुआ करती हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो चले अच्छी बात चले तो आप कहेंगे आपको बड़ा तजुर्बा है। देखिए अब बात तो वो किसी ने कही है ना, वो किसी ने एक बात कही थी कि खैर छोड़े चले चले अच्छी बात है। तो
अब ये एक एचआर हेड मैंने बनाया। अब इस एचआर हेड के अंडर में भी कुछ जूनियर एचआर होते हैं, है ना, जूनियर एचआर या उनकी जो भी पोजीशन होती है, असिस्टेंट एचआर आप कह लें, असिस्टेंट एचआर पोजीशन होती है, तो इस तरीके की पोजीशन होती है। मार्केटिंग मैनेजर के पास भी चार बंदे होते हैं जो एक सपोज दिल्ली एनसीआर का रीजन देख रहा है, एक सपोज चंडीगढ़ का रीजन देख रहा है, एक सपोज मुंबई का देख रहा है, एक सपोज ओवरसीज का जितना बिजनेस है वो देख रहा है। तो मार्केटिंग के अंडर में भी, मार्केटिंग हेड के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट हमने वर्टिकल्स बनाए होते हैं कि भाई अगर मेरे को ये पता करना है कि दिल्ली से कितना बिजनेस आया है या कितना बिजनेस हम लोग लेके आने वाले हैं तो कौन मुझे बताएगा, दिल्ली वाले बंदा बताएगा। ठीक है, अब जो कंपनी के टॉप लेवल पे बंदा बैठा है, जो सीईओ बैठा है, ये तो रोल्स हो गए, मार्केटिंग मैनेजर रोल हो गया उस बंदे का, है ना, वो मार्केटिंग का काम देखेगा। मैं मार्केटिंग मैनेजर से ये नहीं पूछूंगा कि आप किस बंदे को कितनी सैलरी दे रहे हो, बिकॉज ये उसका पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, एचआर का पार्ट है, क्योंकि हमने रोल को डिफाइन कर दिया। सबके अलहदा रोल्स हैं भाई, मार्केटिंग मैनेजर अपना काम कर रहा है, एचआर वाला अपना काम कर रहा है, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, वो सिर्फ अपना डिफाइन काम करेंगे जो उनके लिए डिफाइन है। अब जो मालिक है ना, वो तो किसी से भी बात कर सकता है, वो मार्केटिंग मैनेजर से भी बात कर सकता है, एचआर हेड से भी बात कर सकता है। अब सीईओ होने का, यार मुझे आप ये बताइए ओवरसीज में कितना बिजनेस आया है, तो कौन जवाब देगा, क्या एचआर वाला जवाब देगा, क्या असिस्टेंट एचआर जवाब देगा, नहीं, क्या मार्केटिंग मैनेजर जवाब देगा, नहीं, कौन जवाब देगा, ओवरसीज वाला। ओवरसीज वाला किसको जवाब देगा, मार्केटिंग मैनेजर को। जवाब कौन देगा फिर लाके, मार्केटिंग मैनेजर सीईओ को देगा, क्योंकि मालिक कभी भी डायरेक्ट इस बंदे से बात नहीं करेगा, वो हायरार्की को फॉलो करेगा और वो जवाब मांगेगा मार्केटिंग मैनेजर से या जो भी हेड है। और मार्केटिंग मैनेजर किससे जवाब मांगेगा, वो इस बंदे से जवाब मांगेगा, जो जवाब इसको देगा मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर मालिक को दे देगा। तो यानी हमने रोल डिफाइन कर दिया, उस बंदे से ही हम पूछेंगे जब भी हमें वो काम करवाना है। अब हमें ओवरसीज में कोई काम करवाना है, कोई बिजनेस करवाना है, कौन करके देगा, ओवरसीज वाला बंदा करके देगा। दिल्ली एनसीआर में कोई काम करवाना है, कौन करके देगा, दिल्ली एनसीआर का बंदा करके देगा। बात समझ आ गई, हमने रोल डिफाइन किए होते हैं कंपनी के अंदर, और उनका काम क्या होता है कि जब उनको कॉल किया जाए तो वो अपना डिफाइन काम करके दें, वो काम वो बताएं अपने सीनियर को। ठीक है, और सीनियर किसको ऑर्डर करेगा, ओवरसीज वाले को ऑर्डर करेगा। अब इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए हम एनसीबल की बात करते हैं, एनसीबल में क्या होता है। अब देखें आप, प्लेबुक के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, प्लेबुक के अंदर टास्क भी होते हैं, हमारी डिपेंडेंसीज भी होती हैं जिन्हें हम हैंडलर्स कहते हैं, टास्क के हो गया हमारा, वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये मल्टीपल जगह पे, अगर बहुत बड़ी प्लेबुक है तो ये फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल है कि कितने डिपेंडेंसीज हैं, कितने हमारे वेरिएबल्स हैं एंड ऑल। तो हम क्या करते हैं, हम देखें आप क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, हम इनके काम डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये काम यही बंदा करेगा, जब आपको वो काम कराना है ये बंदा आपको काम करके देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेबुक क्रिएट करते हैं, इसी नाम से ही हमें क्रिएट करनी है, प्लेबुक के नाम से। तो हमने एक प्लेबुक क्रिएट कर दी, इस प्लेबुक के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करनी है जिसको नाम हमने देना है master.yml। ये master.yml कौन है, ये वही मार्केटिंग मैनेजर है जो अपने नीचे वालों से काम करवाता है, ठीक है। ये प्लेबुक कौन है, ये वही सीईओ है यानी कि मालिक है। मालिक किससे बात करेगा, मार्केटिंग मैनेजर से बात करेगा। मार्केटिंग मैनेजर किससे बात करेगा, अपने जो दिल्ली एनसीआर का बंदा है, जो ओवरसीज का बंदा है, अपने नीचे काम जो कर रहे हैं उनसे बात करेगा, अपने जो एग्जीक्यूटिव्स है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो अब देखें हमने करना क्या, रोल कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक प्लेबुक बनानी है, उस प्लेबुक के अंदर आपने दो चीजें बनानी है, एक master.yml के नाम से फाइल बनानी है, नाम आपको यही रखना है। उसके बाद आप एक फाइल क्रिएट करें, एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, ठीक है। उस डायरेक्टरी का नाम आप क्या देंगे, रोल्स, ठीक है। हम एक रोल्स नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे, उस रोल के अंदर अब हमने रोल डिफाइन कर दिया, यानी कि ये रोल क्या है, ये मेरी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं कि भाई ये बंदा मार्केटिंग का है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मेरा ऑडिट डिपार्टमेंट है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हमारी कंपनी में होते हैं, डिपार्टमेंट हमारी कंपनी में होते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रोल्स के अंदर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले हमें रोल्स क्रिएट करना है। तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, इस रोल के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि माई रोल, मैं इसको नाम दे देता हूं माई रोल, ठीक है ना।
तो हमने माई रोल के नाम से, कि ये मेरा खुद का रोल है, मेरी कंपनी का रोल है, तो मैंने माई रोल उसको नाम दे दिया। बाकी नाम आप नहीं बदल सकते, रोल्स का, master.yml, इन फाइलों के नाम नहीं बदल सकते। आपने जो रोल डिफाइन किया है उसका नाम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि रोल एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हर प्लेबुक के लिए आप अलग अलग रोल डिफाइन करेंगे। सही सी बात है। तो अब मैंने यहां माई रोल दिया। अब मैं कहता हूं भाई मेरे इस माई रोल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स है, जैसे कि एक मेरे पास हो गया टास्क, है ना, एक मेरे पास हो गया वेरिएबल, एक मेरे पास हो गया हैंडलर्स। इस तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्टिकल्स क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स बना सकता हूं। अब ये मैं क्यों बना रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। फिर इनके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा main.yml। सबके अंदर एक इसी नाम से मैं फाइल बनाऊंगा, main.yml। ठीक है, तो अब मैंने देखे क्या किया था। नॉर्मल जब मैं प्लेबुक बनाता था वहां पे मैं टास्क भी लिखता था, वेरिएबल्स भी लिखता था, हैंडलर्स भी लिखता था। अब मैं उन्हें एक प्लेबुक में ना लिखकर उनको मैंने सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि टास्क वाला जितना काम है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, टास्क डायरेक्टरी के अंदर, और इसके अंदर main.yml फाइल के अंदर मिलेगा। ऐसे ही वेरिएबल से रिलेटेड जो भी काम है मेरी प्लेबुक का वो आपको यहां नजर आएगा। जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए हैं वो आपको यहां नजर आएंगे। जितने भी हैंडलर्स डिपेंडेंसीज मैंने डिफाइन की है वो मुझे यहां main.yml के नजर आएंगे। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल जो रोल के अंदर मैंने मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर दी और उनके अंदर मैंने फाइल क्रिएट कर दी main.yml। अब मुझे जितने भी टास्क लिखने हैं अपनी प्लेबुक के मैं कहां लिखूंगा, इस main.yml में लिखूंगा जो टास्क के अंदर है। मुझे जितने भी हैंडलर्स से रिलेटेड काम करना है वो मैं कहां करूंगा, मैं हैंडलर्स वाली main.yml फाइल के अंदर करूंगा। इससे क्या हुआ, चीजें डिफाइन हो गई। यानी मार्केटिंग का काम मार्केटिंग वाला बंदा देख रहा है, सारा काम उसको दे रखा है मैंने, एचआर वाला काम एचआर वाले को दे रखा है, बजाय इसके कि एक ही बंदा सारी फाइलें लेके बैठा हो, इट्स बेटर कि हर बंदा अपने डिपार्टमेंट की फाइल लेके बैठा हो, सो दैट जब मुझे जिससे जो काम करवाना है मैं डायरेक्ट उससे कॉन्टेक्ट करूं, मुझे एक ही बंदे को परेशान ना करना पड़े। अब फॉर एग्जाम्पल आप ही मार्केटिंग देख रहे हो, आप ही एचआर का काम देख रहे हो, आप ही प्रोडक्शन देख रहे हो, अब आपसे अचानक आके कोई बंदा प्रोडक्शन की बात करने लगे, आप फिलहाल मार्केटिंग के बारे में कुछ सोच रहे थे, तो आप होचपोच हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी से प्रोडक्शन की चीज कहां से लाके दूं। पर अगर प्रोडक्शन वाला बंदा ही बैठा है तो उसके लिए वो बड़ा आसान है, क्योंकि दिन भर वो उसी चीज से रिलेटेड काम करता है। बात आपको समझ आ रही है। तो ऐसे ही मैंने यहां पे रोल डिफाइन कर दिए, सो दैट कल को जब मैं टास्क से रिलेटेड कुछ चेक करना चाहता हूं या टास्क वाले काम देखना चाहता हूं तो मैं पूरी प्लेबुक को ना पढ़ना पड़े, मैं टास्क वाली फाइल में चला जाऊं, टास्क डायरेक्टरी में जाऊं, उसकी main.yml फाइल ओपन करूं और वहां पर देख लूं कि कितने टास्क मैंने इस प्लेबुक के लिए लिखे हैं। बात समझ आ रही है। अब मैंने ये सारे काम यहां कर दिया अपनी प्लेबुक का। अब प्लेबुक रन कौन कराएगा, क्योंकि मास्टर, देखिए रिंग मास्टर कौन होता है, जब आप सर्कस में जाते हैं तो एक रिंग मास्टर होता है, वही सबको नचाता है नहीं नचाता है, वो इशारा करता है तब शेर खड़ा होता है, या वो इशारा करता है तब हाथी डांस करके दिखाता है। तो ये वो मास्टर है, तो मालिक इनसे बात नहीं करेगा, मालिक जो है ना ये छोटे प्यादों से बात नहीं करेगा, सीधा वजीर से बात करेगा। वजीर कौन है, master.yml। अब वजीर के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है टारगेट, ये इसके अंदर आप टारगेट डिफाइन करेंगे, और दूसरा आप इसके अंदर क्या बताएंगे, आप रोल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको टारगेट बताया और रोल बताया। अब रोल के अंदर मैं क्या रोल डिफाइन करूंगा, माई रोल। समझ आ रही है बात, रोल्स के अंदर मैं क्या रोल डिफाइन करूंगा, माई रोल। तो जब भी मैं इस master.yml को कॉल करूंगा और मैं प्लेबुक अपनी रन कराऊंगा, ansible-playbook करके मैं अपनी प्लेबुक को एग्जीक्यूट कराऊंगा master.yml को, तो ये master.yml किसको कॉल करेगा, ये अपने अंदर पहले टारगेट पे जाएगा। टारगेट कौन है, अब मेरा एक एंसिबल सर्वर था, आपको अगर याद हो अब तक जितने एंसिबल लैब हम करते आए हैं उसमें यही मैंने बनाया, एक एंसिबल सर्वर है और दो मेरे पास नोड है, और ये दोनों नोड किस ग्रुप के अंदर आती थी, डेमो ग्रुप के अंदर आती थी। तो टारगेट में मेरा क्या होगा, डेमो ग्रुप होगा, यानी कि जो काम करना है इन दोनों नोड्स के ऊपर करना है, तो वो चीज तो मैं टारगेट में डिफाइन कर दूंगा। और रोल, अब मैं कहूंगा इसको कौन सा रोल दिया हुआ है वो चेक करो, मैं कहूंगा जी इसको माई रोल दे रखा है। तो अब ये master.yml यहां पे जाएगा एचआर डिपार्टमेंट के पास कि भैया एचआर डिपार्टमेंट का नाम है माई रोल, भैया माई रोल आपके लिए काम आया है, आपके पास जितने डिपार्टमेंट है सबकी फाइलें लाके मुझे दो। तो यानी माई रोल के अंदर अब जो जो काम आपने लिख रखे होंगे
टास्क से मेक के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, हैंडलर्स के अंदर जो भी काम आपने लिख रखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इसने पूरी माई रोल को कॉल किया है। माई रोल के अंदर जितने टास्क, जितने वेरिएबल, जितने हैंडलर होंगे वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुल मिला के क्या एग्जीक्यूट हुआ? प्लेबुक की तो रन हुई है, पर एक सिस्टमैटिक वे में हुई है। बजाय इसके कि मैं पूरी प्लेबुक को लिखूं और सारी चीजें हौच-पौच कर दूं, मैंने अलग अलग कर दिया। और जब मैं इस काम को कॉल करूंगा, माई रोल को कॉल करूंगा, तो माई रोल अपने आप अपने अंदर की सारी चीजों को एग्जीक्यूट करवाएगा। समझ आ रही है बात? यानी प्लेबुक ने किसको कॉल किया? master.yml को। master.yml ने किसको कॉल किया? माय रोल को। और माय रोल कहां पे डिफाइन है? इस रोल्स के अंदर डिफाइन है, यहां पे। और माय रोल के अंदर जितनी चीजें हैं वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। समझ आ रहा है? ये सिस्टम समझ आ रहा है? तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इसी वे में एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल बुनियादी बात समझानी है कि रोल्स हमारे क्यों इस जरूरी हैं, क्यों हम डिफाइन करते हैं। तो रोल्स के लिए जो चीजें है ना वो फिक्स्ड है। कितने टाइप के रोल्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। उनका मतलब क्या है वो मैं आपको डेफिनेशन में बताता हूँ, और फिर लैब हमें कैसे करनी है वो लैब के पॉइंट्स लिखता हूँ, सो दैट सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जो टेक्निकल बंदे हैं, नॉन टेक्निकल बंदे हैं, सबको ये बात समझ आनी चाहिए। बस रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि हम लोग ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब भी बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मतलब मैं कई बार देखता हूं कि उन्हें डेवऑप्स के बारे में नहीं पता, वो पैसे खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। आप ये चीजें अपने तक ना रखें। मैंने कई लोगों की ऐसी हैबिट देखी है कि अच्छा मुझे अच्छा लेक्चर मिल गया यूट्यूब के ऊपर, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो भी सीख लेगा। ये जो चीज है ना, ये हम इंसानों को ना जानवरों के बराबर बना देती है। तो जस्ट लाइक आप ना इंसानों जैसे बिहेव करें, अच्छी चीजें करें, लोगों तक उस नॉलेज को शेयर करें जो मैंने आप तक किया। ठीक है, तो ये भूपिंदर राजपूत के लिए सबसे बड़ा थैंक यू होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स पे बहुत सारी मोहब्बत देते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, दिल से मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगता है जब मैं अपना कोई पोस्ट देखता हूं फेसबुक के ऊपर कि किसी ने शेयर किया है बड़े अच्छे कमेंट के साथ, या किसी ने लिंक्डइन पे मुझे टैग किया और बहुत अच्छा हमारे चैनल के बारे में लिखा है, तो मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मुझे लगता है कि हाँ, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी अच्छे लोगों को सपोर्ट करती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है जो बाकियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप इस चीज का जरूर एग्जांपल दें, लिंक्डइन पे जरूर टैग करें, भूपिंदर राजपूत नाम से मैं अवेलेबल हूं वहां पे, मेरी फोटो भी लगी हुई है, देख के पहचान सकते हैं, मैं अपना वो बटन लिए खड़ा हूं आजकल जो मैंने फोटो में लगाई हुई है। चले, अच्छी बात है। तो अब मैं आपको ये आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो देखें, वी कैन यूज टू टेक्निक्स फॉर रीयूजिंग अ सेट ऑफ टास्क। ये कहते हैं कि भैया हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं सेट ऑफ टास्क को काम करने के लिए। ठीक है, तो जिनमें से एक तरीका है हमारा ये रोल्स। तो इंक्लूड करके आप कर सकते हैं और रोल्स आप करके कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंक्लूड की बात नहीं कर रहा, मैं रोल्स की बात कर रहा हूं। रोल्स आर गुड फॉर ऑर्गेनाइजिंग टास्क। बेहतर है सारे टास्क एक ही जगह लिखकर और उसको होच-पोच करने से अच्छा है कि हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर दें, हैंडलर्स को अलग लिखें, टास्क को अलग लिखें, और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको अलग डिफाइन करें, एक अलग फाइल बनाएं उनकी। एंड एनकैप्सुलेटिंग डेटा नीडेड टू अकम्प्लिश दोस टास्क। वी कैन ऑर्गेनाइज प्लेबुक इनटू योर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कॉल्ड रोल्स। तो हम इसे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं। मैं आपको लैब में सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाऊंगा, अगर बात आपको भी समझ नहीं आई है परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत आसान है। एडिंग मोर एंड मोर फंक्शनैलिटी टू द प्लेबुक विल मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन इन अ सिंगल फाइल। तो वही बात है कि भैया एक ही प्लेबुक में आप सारे रोल्स डिफाइन कर दो, सारे टास्क डिफाइन कर दो, तो वो प्लेबुक जो है बहुत डिफिकल्ट होती जाती है, उसको समझना, उसको पढ़ना किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेबुक को ऑर्गेनाइज करते हैं रोल्स की फॉर्म में, और रोल्स के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। टास्क वाला सारा काम टास्क के अंदर होगा और हैंडलर वाला सारा काम हैंडलर्स के अंदर, जो फाइल है main.yml उसके अंदर होगा। तो इस तरीके से हम इस काम को करते हैं। अब एंसिबल में कितने टाइप के रोल्स होते हैं ये देख लेते हैं। एक डिफॉल्ट रोल होते हैं हमारे पास कुछ, फाइल्स नाम से भी आप रोल डिफाइन कर सकते हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये जो नाम है ना ये फिक्स रहते हैं, इसीलिए जो टास्क नाम है वो आप चेंज नहीं कर सकते, वेयर्स नाम है वेरिएबल के लिए वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ रोल जो होते हैं, रोल के अंदर जो रिये वाला पोर्शन है, जो रोल आप डिफाइन करते हैं, आप सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी इन सारी फाइलों के नेम, डायरेक्टरीज के नेम सेम रहते हैं, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। तो एंसिबल रोल कौन कौन से होते हैं,
फाइल्स होते हैं, हैंडलर्स होते हैं, मेटा होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, टास्क होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने जो जो पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, वो हमने हैंडलर पढ़ा है, वेरिएबल्स पढ़ा है, टास्क पढ़ा है, बाकी चीजें हमने पढ़ी नहीं है, होने को बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो अब मैं इनके बारे में जो डेफिनेशंस हैं वो लिख देता हूं, हालांकि उन्हें सबको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, बाकी जो काम की चीजें हैं मैं सिर्फ लैब में वही करके दिखाऊंगा। तो अब वन बाय वन इन रोल्स को देख लेते हैं कि क्या क्या रोल्स होते हैं। तो मैंने हालांकि कुछ ही आपको लैब में करके दिखाऊंगा, बट आपको पता सारे होने चाहिए। डिफॉल्ट रोल का मतलब है कि यार जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ डिफॉल्ट चीजें होती हैं, जैसे कि हमें पोर्ट कौन सा अलाउ करना है, अगर हम किसी स्पेसिफिक पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका पोर्ट नंबर भी अलाउ होना चाहिए, तो वो डिफॉल्ट काम है, मतलब उसके बिना तो चीजें हो ही नहीं सकती, तो उन्हें हम डिफॉल्ट में डिफाइन करते हैं। इट स्टोर्स द डेटा अबाउट रोल एप्लीकेशन डिफॉल्ट वेरिएबल्स, जो भी रोल और एप्लीकेशन के लिए डिफॉल्ट चीजें हैं उन्हें यहां डिफाइन किया जाता है, जैसे पोर्ट नंबर होते हैं। Example, if you want to run to port 80 or 8080, then variable need to define in this path. तो आपको वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पोर्ट हमें जरूरी है इस काम को करने के लिए। फाइल्स की बात करें तो कोई फाइल्स अगर आपको ट्रांसफर करनी है अपनी रिमोट VM पे, तो वो आप इस डायरेक्टरी के थ्रू कर सकते हैं, ये भी एक रोल है, फाइल्स के थ्रू आप अपनी जो फाइल्स है उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी अनदर मशीन पे। हैंडलर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हैंडलर्स नाम से आपकी डायरेक्टरी अवेलेबल है। दे आर ट्रिगर और टास्क, तो ट्रिगर मतलब एक काम हो जाएगा तब दूसरा स्टार्ट होगा, पहला सक्सेसफुल होगा तभी दूसरा होगा, पहला फेल्ड हो गया तो दूसरा होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो वी कैन सेग्रीगेट ऑल दी हैंडलर्स रिक्वायर्ड इन प्लेबुक। मेटा का मतलब है डेटा का भी डेटा, मेटा डेटा उसी को कहते हैं, डेटा का भी डेटा। दिस डायरेक्टरी कंटेन फाइल्स दैट एस्टैब्लिश रोल डिपेंडेंसीज, कुछ बुनियादी चीजें किसी रोल से रिलेटेड, जैसे कि ऑथर कौन है, किसने बनाया और किस प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल कर रहा है, वो छोटी छोटी बुनियादी बातें। जैसे मैं आपसे कहूं मेरा फोटोग्राफ, जैसे आप मोबाइल से फोटो लेते हैं तो आपके जरूरत की चीज क्या, फोटो, पर उस फोटो की अपनी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि फोटो किस डेट को किस टाइम पे खींची गई, उसका फॉर्मेट क्या है, JPG फॉर्मेट है, किस साइज की फोटो है, कितनी MB की फोटो है, 4 MB की फोटो है। हालांकि फोटो खींचने के बाद आप ये चेक नहीं करते हो कितने MB की फोटो है, पर भैया वो इंफॉर्मेशन भी तो वहां पर स्टोर होती है ना उस फोटो की खींचने के बाद। दैट इज अ डेटा ऑफ डेटा, डेटा का भी डेटा, डेटा आपके लिए फोटो है पर उसका खुद का भी कोई डेटा है, उसकी एक नाम है, उसकी पहचान है, उसका एक साइज है, उसका एक फॉर्मेट है। बात समझ आ रही है, मेरी नाम ही मेरी पहचान है, वो मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। चले अच्छी बात है, तो अब यार आज शेर सुनेंगे बढ़िया वाले, ठीक है, दिल टूटे बिल्कुल एकदम आशिकों वाले, चले अच्छी बात है। टास्क, इट कंटेन्स ऑल द टास्क दैट इज नॉर्मली इन द प्लेबुक, जैसे कि पैकेज इंस्टॉल करना, फाइल को कॉपी करना, तो टास्क के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो हमारे टास्क के अंदर आ जाते हैं, तो ये भी एक डायरेक्टरी है। ऐसे ही वेरिएबल्स नाम की डायरेक्टरी है जहां आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ हमारे रोल्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए थ्योरी में। मैं आप यहां से लिख सकते हैं, मैं यहां भी साइड हो जाता हूं, आप ये वाला भी लिख लीजिएगा। ये सारा काम करने के बाद अब मैं आपको लैब के स्टेप्स लिखवा देता हूं और फाइनली हम लैब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब जरा लैब के स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। हाइफन पी हम क्यों लगाते हैं बताइए, डेवऑप्स के बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैं बोल चुका था इसलिए आपने बोल दिया पेरेंट डायरेक्टरी के लिए, नहीं तो मुझे लगता नहीं आपको याद होता। हाइफन पी, हाइफन पी का मतलब क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी हम बना रहे हैं, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको एक साथ बनाने का क्या तरीका है, हाइफन पी लगा दें। तो पहले मैंने प्लेबुक नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर मैंने रोल्स नाम की डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर मैंने वेब सर्वर नाम की डायरेक्टरी बनाई और उसके अंदर मैंने टास्क नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब मैं अगर इस चीज को देखना चाहता हूं कि भाई मैंने ये डायरेक्टरियां बनाई हैं एक के अंदर एक, तो मैं इसे अगर ग्राफिकल तरीके से आप कह लेंगे क्लियरिटी से देखना चाहता हूं, तो क्या तरीका होता है, ट्री नाम का पैकेज होना चाहिए, नहीं है तो इंस्टॉल कर लें और उसके बाद आप जब ट्री कमांड चलाएंगे तो ये आपको आउटपुट में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा, जिससे ये पता चलता है कि प्लेबुक के अंदर रोल्स है, रोल्स के अंदर वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर टास्क है। बात समझ आ रही है। तो हमने कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं, इनका नाम जो है वो आप सिर्फ इसका नाम बदल सकते हैं, बाकियों के नाम आप बदल नहीं सकते, वो डिफॉल्ट हमें रखने हैं। आप अपना रोल डिफाइन कर सकते हो, आप कंपनी के बंदे का रोल डिफाइन कर सकते हो कि भाई तू मार्केटिंग का हेड है, तू HR का हेड है, ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन आप कंपनी का पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते कि मार्केटिंग वाला HR का काम करने लग जाए, HR वाला मार्केटिंग का काम करने लग जाए, ठीक है, वो काम नहीं आप कर सकते, आप उनके रोल आपके डिफाइन होते हैं, तो इसीलिए आप उसको नाम बदल सकते हैं, रोल का आप नाम बदल सकते हैं, पर बाकी चीजें सेम रहती हैं।
चले अच्छी बात है, तो ये आपने कर लिया, आपने कुछ डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। क्यों क्रिएट कर दी? क्योंकि जो हमने सिनेरियो समझा है हमें वो काम करना है। तो सबसे पहले प्लेबुक होनी चाहिए, प्लेबुक के अंदर रोल्स होने चाहिए, रोल्स के अंदर हमने जो रोल बनाया है वो होना चाहिए वेब सर्वर के नाम से, और उसके अंदर हम जो भी रोल डिफाइन करना चाहते हैं, टास्क करना चाहते हैं तो टास्क हम लिखेंगे, हैंडलर हम करना चाहते हैं तो हैंडलर हम डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ टास्क डिफाइन किया है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे हैंडलर भी डिफाइन करना है, मुझे इसी रोल के अंदर मुझे यहाँ पे हैंडलर भी चाहिए, तो मेरी क्या कमांड होगी? मुझे दोबारा से करना पड़ेगा, मेरे को एक और डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, डायरेक्टरी नहीं बनानी पड़ेगी, ये सब सेम रहेगा, प्लेबुक, आप खाली हाइफन पी करके मेक डायरेक्टरी करें, प्लेबुक, फिर रोल्स, फिर वेब सर्वर, सब कुछ यहां तक सेम रहेगा, और उसके आगे यहां स्लैश करके हैंडलर्स आ जाएगा। तो क्या होगा, इसी टास्क के बिल्कुल सेम पोजीशन पे एक हैंडलर नाम की डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी ये नाम से, ठीक है। तो उसे अगर आपने करना है तो आपने एक और कमांड चलानी पड़ेगी, तो आपकी बात प्लेबुक के अंदर रोल, रोल के अंदर वेब सर्वर पहले से हमारे पास है, अब हम हैंडलर नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो यहां हैंडलर डिफाइन कर देंगे। तो हमने पाथ बता दिया, और उसके अंदर सॉरी हमें हाइफन पी लगाने की जरूरत नहीं है, आप खाली टच कमांड से भी ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टरी करनी है mkdir लगा दें, mkdir, हाइफन पी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी तो बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमने अब ये क्रिएट कर दिया, ये काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेबुक के अंदर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमने जो कुछ भी काम करना है इस प्लेबुक के अंदर करना है, तो जितनी भी लैब मैं करूंगा इस प्लेबुक के अंदर जाके करूंगा, क्योंकि इस प्लेबुक के अंदर ही मैंने सारा काम किया हुआ है, चाहे मैं वो काम यहां पर कर रहा हूं, चाहे मैं वो काम यहां पर कर रहा हूं, मैं कर तो प्लेबुक के अंदर ही रहा हूं। तो सबसे पहले आप प्लेबुक के अंदर आ जाए, चेंज डायरेक्टरी करके आप प्लेबुक के अंदर आ जाएं। अब आप प्लेबुक के अंदर आ गए तो आपको प्लेबुक के अंदर दिख रहा है कि ये आपका डॉट है, यानी कि इस जगह आप खड़े हैं, आपके अंदर एक रोल नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक वेब सर्वर नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक टास्क नाम की डायरेक्टरी है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखें कि प्लेबुक के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक master.yml नाम से फाइल भी बनी हुई है और एक रोल्स नाम से डायरेक्टरी बनी हुई है। दोनों का लेवल सेम है, आप देखें मैंने दोनों को इक्वल साइज का बक्सा बनाया और उसके ऊपर डिफाइन किया है, यानी दोनों की पोजीशन चाहे मार्केटिंग का हेड हो चाहे एचआर का हेड हो, दोनों अपने आप में फंदे खाएं, ठीक है ना। कोई किसी से कम नहीं मानता अपने आप को, एचआर वाला कहता है मार्केटिंग वाले तो कुछ भी नहीं है, बकवास है हमारे आगे, है क्या वो, है ना, दिन भर वो धूप में सड़ते रहते हैं, और मार्केटिंग वाले कहते हैं अरे ये है क्या, सारी कंपनी तो मार्केटिंग वाले चला रहे हैं, एचआर वाले तो एसी में बैठ के बस छुट्टियां कैलकुलेट करते रहते हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, बिजनेस तो हम लाके दे रहे हैं। तो कोई अपने आप में कम नहीं होता, तो हमने दोनों को इक्वल बनाया है कि भैया आप दोनों बराबर हो, लड़ो मत। तो ये दोनों का पोजीशन सेम है, तो क्या मतलब इसका क्या है कि मैं अब जो मैं ये जो main.yml बनाऊंगा, अच्छा तो पहले मैंने क्या किया, मैं चलो उस काम को बाद में करता हूं, पहले मैंने क्या किया कि मैंने main.yml नाम से टास्क के अंदर एक फाइल क्रिएट कर ली। तो मैं अभी टच करके एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो टच कमांड का इस्तेमाल करूंगा, टच करके रोल्स के अंदर वेब सर्वर पहले से है, उसके अंदर टास्क पहले से है, टास्क के अंदर आप एक फाइल क्रिएट कर दो main.yml के नाम से। तो अब देखें टास्क के अंदर मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई main.yml के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना टास्क लिखूंगा। तो मैंने फाइल क्रिएट कर दी। अब इसके बाद मैं ये master.yml भी मुझे क्रिएट करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, टच master.yml। अब देखें मैंने ये पूरा पाथ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे प्लेबुक के अंदर master.yml का लेवल कहां लेके आना है, मुझे इसके बराबर लेके आना है, रोल्स के बराबर लेके आना है। तो उसके लिए डायरेक्ट, क्योंकि मैं प्लेबुक के अंदर पहले ही हूं, तो मैं master.yml कमांड फाइल क्रिएट करूंगा। इससे क्या होगा, दोनों सेम लेवल पे क्रिएट हो जाएंगे। आप देखेंगे जब आप ट्री कमांड चलाएंगे ना इसके बाद, तो आपको master.yml और रोज दोनों का जो लेवल है वो सेम नजर आएगा, यानी दोनों का इक्वल, एक बराबर लेवल के बंदे हैं, ये भी हेड है वो भी हेड है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब वो दोनों चीजें मेरी क्रिएट हो गई, सेम लेवल पे क्रिएट हो गई। उसके बाद अब मैं vi कमांड चला के कुछ लिखना है, तो vi एडिटर के थ्रू लिखेंगे, और किसके अंदर लिखना है, main.yml के अंदर लिखना है, जो कि टास्क के अंदर है। तो अगर अब मैं टास्क कोई डिफाइन करना चाहता हूं, तो मुझे इस टास्क के अंदर main.yml फाइल में जाना पड़ेगा। जाने का तरीका क्या होगा, पहले प्लेबुक में जाएं, प्लेबुक के अंदर रोल में जाएं, रोल के अंदर वेब सर्वर में जाएं, उसके अंदर टास्क में जाएं, टास्क के अंदर यहां आए, वही काम मैंने यहां किया। देखें आप, प्लेबुक में मैं पहले से हूं, प्लेबुक के अंदर मैं रोल में गया, रोल से मैं वेब सर्वर में आया, वेब सर्वर से मैं टास्क में आया, टास्क के अंदर मेन
main.yml में मैं आ गया, एडिटर के थ्रू ओपन हो जाएगा। अब मेरे को जो लिखना है वो मैं लिख सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने main.yml फाइल के अंदर सपोज ये चीज मैंने लिख दी कि यार एक काम करो, आप एक httpd पैकेज इंस्टॉल कर दो, ठीक है, और ये काम आप कर दो। तो मैंने ये काम किया, एस्केप करके मैं बाहर आ गया। तो यानी मैंने टास्क में क्या डिफाइन कर दिया कि आपको httpd पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है, ठीक है। कमांड की आप टेंशन ना लें, जब लैब कराऊंगा तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कहां कितना स्पेस लेना है। तो ये मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर दिया, यानी टास्क के अंदर मैंने अपना काम डिफाइन कर दिया कि मुझे ये काम करना है। जब भी मैं अपने वेब सर्वर रोल को कॉल करूं तो ये काम हो जाना चाहिए टास्क के अंदर जो दिया हुआ है, ठीक है साहब, ये बात भी हो गई। अब master.yml के अंदर आते हैं। master.yml के अंदर आपको दो चीजें डिफाइन करनी है हमेशा, एक तो टारगेट्स कि आपके टारगेट कौन है, यानी ये काम किस किस पे किया जाना है, कौन से नोड्स पे, कौन से ग्रुप पे किया जाना है, और दूसरा कौन सा रोल उसके ऊपर अप्लाई करना है। काम करना कौन सा है तो वो तो रोल से पता चलेगा ना, मैंने मार्केटिंग का काम करना है कि एचआर का काम करना है। तो मैंने कहा कि जो मैंने वेब सर्वर नाम का रोल बनाया है आपने वो काम करना है, उस वेब सर्वर के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो एग्जीक्यूट हो जाए, जो जो काम उसके अंदर लिखा हुआ है वो हो जाए। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने VI करके master.yml के अंदर गया, ये मैंने पूरा अपना टारगेट डिफाइन कर दिया कि मेरा टारगेट कौन है। मैंने कहा जी सारी की सारी नोट्स है, ठीक है, एज अ एंसिबल यूजर मुझे ये काम करना है, सूडो प्रिविलेज उसको देके रखनी है, कनेक्शन SSH होना चाहिए, और रोल्स के अंदर मैं डिफाइन करूंगा जी कौन सा काम करना है। वेब सर्वर नाम का जो मैंने रोल बनाया है वो काम आपको करना है। तो ये मैंने अपनी master.yml के अंदर डिफाइन कर दिया। अब मैं इसे एस्केप करके बाहर आ जाऊंगा, फाइल को सेव कर दूंगा colon WQ करके, और उसके बाद मैं अब अपनी प्लेबुक को कॉल करूंगा। प्लेबुक किसको कॉल करेगा, मैंने किसको कॉल करना है एक्चुअली में, मैंने ansible-playbook करके, देखिए सारा काम मैं प्लेबुक के अंदर ही कर रहा हूं, ये बात आप याद रखिएगा, सारा काम प्लेबुक के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लेबुक किसको कॉल करेगा, क्योंकि प्लेबुक के अंदर तो मैं ऑलरेडी हूं, तो मैं किसको कॉल करूंगा, मेरे अंदर मैंने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी master.yml को दी हुई है, तो मैं इसको कॉल करूंगा master.yml को। अब master.yml किसको कॉल करेगा, वो कॉल करेगा रोल को। रोल किसको कॉल करेगा, वेब सर्वर को। क्यों, क्योंकि मैंने यहां डिफाइन किया हुआ है कि रोल कॉल करेगा वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर के अंदर मैंने जो टास्क डिफाइन किया है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कोई हैंडलर में मैंने कुछ डिफाइन किया होता तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाता, और अगर वेरिएबल में कुछ डिफाइन किया होता तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि वेब सर्वर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डायरेक्टरी हैं, वो वन बाय वन सारी एग्जीक्यूट होंगी। बात आपको समझ आ रही है। सो दिस इज द वे आप अपने काम को ऑर्गेनाइज वे में कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में जनरली हम यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है कि हम इसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं, आप नॉर्मल प्लेबुक्स भी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में जब बंदा पूछने पे आता है तो जनरली इन चीजों को वो जरूर छूता है कि रोल्स के बारे में कुछ जानते हो क्या, एंसिबल रोल्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, क्यों क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होप मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, मैं आपको एग्जीक्यूट अप करके दिखा देता हूं, सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको रोल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जरा लैब में आपको वही सब करके दिखा देता हूं, तो कंट्रोल एल करके स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे एक कमांड से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, sudo yum install tree-y, एंटर। तो मैंने यहाँ पे ट्री को इंस्टॉल कर दिया, ट्री पैकेज को, कंट्रोल एल करते हैं। और अब मैं यहाँ पे ट्री कमांड चला के देखता हूँ, तो देखिए अभी मुझे ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। अभी मेरे एंसिबल के अंदर मुझे condition.yml, handlers, ये सारी फाइलें नज़र आ रही हैं जो मैंने क्रिएट की हैं, ये सारी प्लेबुक्स हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैंने करना क्या है, मैंने आपको जैसा अभी थ्योरी में पढ़ाया, मैं पहले एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और पेरेंट डायरेक्टरी है ये, तो इसके अंदर एक साथ कई सारी बन जाएंगी प्लेबुक, और प्लेबुक के अंदर मैंने बनानी है रोल्स नाम से, उसके अंदर मैंने बनानी है वेब सर्वर नाम से, और उसके अंदर मैंने बनानी है टास्क के नाम से। तो मैं ये सारी एक साथ क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर करते हैं। तो अब ज़रा दोबारा ट्री कमांड चलाएँ, देखें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अभी तक ये वाली चीज़ें नज़र आ रही थी, इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है, ये नया नज़र आ रहा है, एक प्लेबुक नाम से डायरेक्टरी बनी है, उसके अंदर रोल्स के नाम से, उसके अंदर वेब सर्वर के नाम से, और उसके अंदर टास्क नाम से बनी हुई है। तो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मैं कंट्रोल एल करता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, और अब मैं प्लेबुक के अंदर चलता हूँ, cd स्पेस प्लेबुक /, मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अब मैं प्लेबुक के अंदर आ गया हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ट्री करके अगर कमांड चलाऊँ
तो मुझे क्या नजर आ रहा है, प्लेबुक के अंदर रोल्स नजर आ रहे हैं, रोल्स के अंदर वेब सर्वर नजर आ रहे हैं, और वेब सर्वर के अंदर टास्क नाम की फाइल एक नजर आ रही है, तो अब डायरेक्टरी नजर आ रही है सॉरी। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस टास्क के अंदर एक मेन डॉट वाई एम एल फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहां पे आप करें टच रोल्स फॉरवर्ड स्लैश वेब सर्वर्स फॉरवर्ड स्लैश टास्क फॉरवर्ड स्लैश मेन डॉट वाई एम एल एंटर। चलिए हमने वेब सर्वर्स कर दिया, यहां पे गलती से एस लगा दिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं इसी कमांड को वापस लिखता हूं और यहां पे से एस हटा लेता हूं, तो ये मेरा क्रिएट हो जाएगा, गलती से एस लग गया मेरे से। और अब हम क्रिएट करते हैं इसको एंटर, तो ये मेरा हो गया है, मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं एलएस करके देखता हूं तो मुझे रोल्स नाम से प्लेबुक के अंदर नजर आ रहा है। अब मैं अगर इससे बाहर आ जाऊंगा तो मुझे नजर नहीं आएगा, मैं आपको ट्री करके दिखाता हूं। ये देखें आप, रोल्स के अंदर मुझे वेब सर्वर नजर आ रहा है, उसके अंदर टास्क नजर आ रहा है, लेकिन इस बार टास्क के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की है मेन डॉट वाई एम एल के नाम से, जो यहां पर नहीं थी, देखें आप। तो मैंने मेन डॉट वाई एम एल भी क्रिएट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं, रोल्स के सेम लेवल पे एक और फाइल मास्टर डॉट वाई एम एल क्रिएट करता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, टच मास्टर डॉट वाई एम एल, मैं ये कमांड चलाता हूं तो मास्टर डॉट वाई एम एल नाम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ट्री करके देखें आप, ये देखें रोल्स के बिल्कुल ऊपर एक ही पोजीशन पे दोनों नजर आ रही हैं, मास्टर डॉट वाई एम एल और रोल्स दोनों सेम लेवल पे हैं, आप देख सकते हैं दोनों सेम लेवल पे हैं। रोल्स के अंदर वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर टास्क है, और उसके अंदर मेन डॉट वाई एम एल है। तो मास्टर डॉट वाई एम एल नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है, मेन वाई एम एल में एक टास्क मेंशन कर देते हैं। तो कंट्रोल एल करें आप और यहां पे एक वी आई के थ्रू जाएं, रोल्स फॉरवर्ड स्लैश वेब सर्वर फॉरवर्ड स्लैश टास्क फॉरवर्ड स्लैश मेन डॉट वाई एम एल, और इसके अंदर हम कीबोर्ड का आई प्रेस करें ताकि कुछ लिख सकें। और अब हम यहां पे लिखते हैं हाइफन स्पेस नेम, एक छोटा सा टास्क मैं लिख रहा हूं, कॉलन इंस्टॉल अपाचे ऑन रेड हैट एंटर यम कॉलन स्पेस पैकेज इक्वल टू एच टी टी पी डी स्पेस स्टेट इक्वल टू लेटेस्ट, ये मैं लिखता हूं और एंटर करते हैं, एस्केप करते हैं, कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाते हैं। एक छोटा सा टास्क दिया है मैंने एस टी टी पी डी इंस्टॉल करने का, एंटर करते हैं तो मैंने ये काम कर दिया। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पहले रिमूव कर दूं, क्योंकि यहाँ पे एस टी टी पी डी इंस्टॉल है तो मुझे कमांड चलानी पड़ेगी sudo yum remove httpd-y enter, तो ये मैंने रिमूव कर दिया है। ऐसे ही मैं ये कमांड यहाँ पे चलाता हूँ sudo yum remove httpd-y, और मैं यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने दोनों जगह से httpd रिमूव कर दिया है और ये मैंने इस फाइल के अंदर, लेकिन ये टास्क मैंने दिया है इंस्टॉल करने का। अब हम लोग मास्टर डॉट वाई एम एल को ओपन करते हैं, मास्टर डॉट वाई एम एल एंटर, कीबोर्ड का आई प्रेस करें और यहाँ पे मैं अब कुछ एक प्लेबुक यहाँ पर भी लिखता हूँ, हाइफन 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 स्पेस हैश स्पेस मास्टर प्लेबुक फॉर वेब सर्वर्स, और इसके अंदर मैं क्या मेंशन करूंगा, हाइफन स्पेस होस्ट कॉलन स्पेस डेमो यानी मेरे ग्रुप का नाम, एंटर यूजर कॉलन स्पेस एंसिबल एंटर, उसके बाद बिकम कॉलन स्पेस यस एंटर, कनेक्शन कॉलन स्पेस एस एस एच एंटर, रोल्स कॉलन एंटर, इसके बाद हाइफन स्पेस वेब सर्वर, ये मेरे रोल है, मैं
मैंने एक ही रोल डिफाइन किया है रोल्स के अंदर वेब सर्वर के नाम से, एप कॉलन डब्ल्यू क्यू, और मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया है एक छोटा सा काम, और अब मैं नोड वन नोड टू से पैकेज अनइंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख भी सकते हैं। कंट्रोल एल करता हूँ विच एस टी टी पी डी, तो ये नज़र नहीं आएगा दोनों जगह, तो ये अभी नोड वन पे नज़र नहीं आ रहा है, फिर नोड टू पर भी सेम ही ये नज़र नहीं आएगा, तो मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब एक काम करते हैं, अब अपनी मास्टर प्लेबुक को कॉल करते हैं ताकि वो हमारा मेन काम कर सके और पैकेज को इंस्टॉल कर सके। तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं ansible-playbook-master.yml और हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखिए आप, इसने पहले फैक्ट्स गैदरिंग फैक्ट्स आपको पता है क्या होते हैं, उसके बाद इसने क्या किया, टास्क में चेंज कर दिया, दोनों के ऊपर इंस्टॉल कर दिया httpd पैकेज, इसीलिए चेंज में ये वन दिखा रहा है, फेल्ड सब कुछ जीरो है बाकी चीजें, और ओके इक्वल टू टू दिखा रहा है क्योंकि इसने दो काम किए हैं। तो ये यहाँ पे परफेक्टली httpd इंस्टॉल कर चुका है, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ विच httpd, एंटर करें और ये देखें यहाँ पे ये अवेलेबल है। ऐसे ही आप दूसरी नोड पे जाएंगे, कंट्रोल एल करें इसको और यहाँ पे भी चेक करें विच httpd, एंटर, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये मेरा रोल का काम है, रोल के थ्रू कैसे कॉलिंग की जाती है और कैसे पैकेज इंस्टॉल किए जाते हैं ये बेहद ज़रूरी है। आई होप आपको Ansible के सारे लेक्चर समझ आ गए होंगे। मैक्सिमम इंटरव्यू में सवाल इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं, वोल्ट कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट होती है, वोल्ट के थ्रू आप एनक्रिप्ट कैसे करते हैं, रोल्स क्या होते हैं, कंडीशंस किस तरीके से लगाई जाती हैं, हैंडलर्स क्या होते हैं, ये सारी बुनियादी बातें जो मैंने आपको कराई हैं, इससे ज़्यादा कोई आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, Ansible में आप मास्टर हो चुके हैं, कोई मसला नहीं है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हज़ारों बार बोल चुका हूँ बात, कहीं भी किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आ रहा, वीडियो को एक दो बार देखें, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो किसी बुक से या गूगल पे उस टॉपिक को सर्च करें, थोड़ी थ्योरी को भी पढ़ने की कोशिश करें, आपको 110% समझ आ जाएगा। आपको AWS पे, और मैं बिल्कुल जैसे कराता हूँ आप फिलहाल वैसे करें, AWS के अकाउंट पे ही करें सो दैट आप उसे ईजी वे में कर पाएं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने एज इट इज कॉपी करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर Ansible के बारे में आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम पे जा सकते हैं। और ये देखें आप, आपको ऑफिशियल Ansible की जो वेबसाइट है वो नजर आ जाएगी, यहां पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, Ansible डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। प्लेबुक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, प्लेबुक्स के बारे में पढ़ें, क्लिक करें यहां पे, और देखें Ansible टावर के बारे में भी सारी नॉलेज यहां पे दी गई है जिसको मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखें प्लेबुक्स के बारे में लिखा हुआ है, प्लेबुक्स क्या होती हैं, कैसे काम करते हैं, और यहाँ पे देखें रोल्स भी होंगे। ये देखें रोल्स आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा है, आप अगर रोल्स पे क्लिक करें तो आपको रोल्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, रोल्स में क्या होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है रोल्स के अंदर। ये देखें आपको यहाँ बुनियादी बातें नज़र आ रही हैं, कुछ जो हमारी डिफ़ॉल्ट होती हैं वो यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। तो ये पूरा यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ सकते हैं Ansible से रिलेटेड, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप Ansible टावर के बारे में, जो इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट करें, इस वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जिसमें कोई गलती नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में आपको दिए गए हैं, आप इन पे ज़रूर पढ़ें। FAQ जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा आप FAQ पढ़ेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो FAQ जरूर पढ़ा करें फ्री टाइम में Ansible से रिलेटेड, आप Ansible के मास्टर बन जाएंगे। नो नीड टू वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इस वेबसाइट से पढ़ें Ansible के बारे में, जो कुछ भी पढ़ना है। इनका ब्लॉग दिया हुआ है, ब्लॉग पे क्लिक करें, नए नए इन्फॉर्मेशन, नए नए आर्टिकल्स आते रहते हैं। ये देखें यहाँ पे इनके ब्लॉग हैं, ब्लॉग पे नए नए इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सब कुछ, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उससे पहले आप इस मशीन को जो मैंने बनाई थी, अब हम इन्हें टर्मिनेट कर देते हैं क्योंकि हम Ansible का सारा काम कर चुके हैं, तो फाइनली हमारी सारी लैब डन हो चुकी है। तो अब आप फाइनली इन्हें टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टर्मिनेट इंस्टांसेस, टर्मिनेट। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि सर मेरा जो है ना बिल क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप बिलिंग डैशबोर्ड पर जाते हैं,
और बिलिंग डैशबोर्ड पे जाने पे आपको पता चलता है कि मेरा बिल क्रिएट हो गया है। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब देखें, जैसे मेरा बिल यहाँ पे दिखा रहा है 37 INR। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसे मेरे कट जाएंगे मेरे कार्ड में से या कोई मसला हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, ये छोटी मोटी अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है। इवन बड़ी अमाउंट भी होगी तो आपने देनी नहीं है। आपने देखें यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप सपोर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सपोर्ट सेंटर में जाएं और यहाँ जाके आपने एक क्रिएट केस करना है। क्रिएट केस पे क्लिक करें और यहाँ अकाउंट एंड बिलिंग सपोर्ट आपको चाहिए क्योंकि आपका कोई बिल बन गया है तो आप उसे माफ़ कराना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप सर्च करना चाहें कर लें, अदरवाइज आप सब्जेक्ट में लिख दें कि वेव ऑफ माई बिल, वेव ऑफ माई बिल। ओके, और यहाँ पे आप अपनी कहानी लिख दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम नहीं है कैसे चलाते हैं, क्या होता है, मेरा बिल क्रिएट हो गया, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दें। ठीक है, इस तरीके की एक अच्छी सी दर्द भरी कहानी आप यहाँ लिख दें, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को लिखते हैं मनाने के लिए, ऐसे आप यहाँ पे लिख दें और आप इसको सेंड कर दें। अगले 48 घंटे के अंदर आपके पैसे जो हैं वो रिमबर्स कर दिए जाएंगे। बट इस मेल को आप बार बार ना करें, तभी करें जब आपका बिल बहुत ज़्यादा गलती से बन जाता है। 10, 20, 50 या 100 रुपये, 200 रुपये का बिल है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो वो काटे जाएंगे आपके अकाउंट में से और ना ही आपका अकाउंट बंद होगा। नो नीड टू वरी। अगर आपका बिल 1000, 2000 का बन गया है गलती से, कोई मशीन चालू रह गई है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, तो ये आपका बिल माफ़ कर देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये फ्री अकाउंट है, आपको डरना नहीं है कि सर बिल बन गया है तो मुझे देना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो आपको कहीं कोई पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री है। YouTube पे मैं पढ़ा भी फ्री में रहा हूँ, AWS वाले भी आपको फ्री में लैब करने के लिए दे रहे हैं, तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है यार, हमें सिर्फ अच्छी बातें सोचनी चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आई होप यार आपको लैब समझ आ गई होगी और कोई मसला आपको नहीं हुआ होगा। एंसिबल का पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। एंसिबल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, होने को बहुत कुछ है, बट बिगनर लेवल पे इंटरव्यू क्लियर करने के लिए और इंडस्ट्री में काम स्टार्ट करने के लिए ये शायद नॉर्मल से भी ज्यादा मैंने आपको बताया है। इससे ज्यादा किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता, इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता। सो आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि भूपेंद्र राजपूत कुछ कम पढ़ा रहा है या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इससे ज्यादा पढ़ाया जाता होगा। आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है, बिल्कुल आप फोकस करें। और यस, इस सारे काम को करने के बाद, एंसिबल की लैब करने के बाद, अपने इंस्टांसेस को जरूर टर्मिनेट कर दें, बिकॉज इसके आगे अब मैं आपको एंसिबल नहीं कराऊंगा, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आप अपनी लैब को टर्मिनेट कर सकते हैं। आई होप एंसिबल के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बात को अब आज किसी अपनी ही लिखी हुई गजल से खत्म करते हैं, आज आपको अपना कुछ लिखा हुआ सुनाते हैं। तो ये मैंने कभी 2014 में लिखा था, तो जरा गौर फरमाइएगा कि कैसा लिखा है। हालांकि मैं थोड़ा सा हिचकता हूँ अपना लिखा हुआ सुनाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसमें उतनी अच्छे तरीके से मैं इसको नहीं लिख पाता जितना शायद एक एक मुकम्मल शायर लिखता है। पर फिर भी मैंने जो कोशिश की है वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि खुदा ने तुमसे बेहतर भी बनाया होगा, खुदा ने तुमसे बेहतर भी बनाया होगा, ये ख्याल ना मुझे कभी आया होगा। जिसकी एक मुस्कान पर लुटा दिया सब कुछ, जिसकी एक मुस्कान पर लुटा दिया सब कुछ, कौन मानेगा उसी ने रुलाया होगा। ईंट दीवारों के मकामे वो सुकून से रहती है, ईंट दीवारों के मकामे वो सुकून से रहती है। घर तो मैंने भी बनाया था पर कागज का बनाया होगा। कितना अजीब रिश्ता है खतों का यादों से, कितना अजीब रिश्ता है खतों का यादों से, कोई भी भेजे ख्याल मेरा ही आया होगा। कुछ तो बात है जो सांसें चल रही हैं मेरी, कुछ तो बात है जो सांसें चल रही हैं मेरी, खेल अभी बाकी है कुछ कर्ज बकाया होगा। तेरी यादों से लिपटकर सारी रात रोया, तेरी यादों से लिपटकर सारी रात रोया, तेरी आंखों में भी कल तिनका जरूर आया होगा। अजीब दस्तूर है कि रोज लिबास बदले जाते हैं, गौर फरमाइएगा, अजीब दस्तूर है कि रोज लिबास बदले जाते हैं, इन मामूली बातों में राज गहरा समाया होगा। लोग जो खुदा से डरते हैं महफूज हैं, लोग जो खुदा से डरते हैं महफूज हैं, हिम्मत नहीं यहां खौफ ने बचाया होगा। तुझको खोने का डर था जब तलक दिल में, तुझको खोने का डर था जब तलक दिल में, तब तलक खुदा के आगे सिर झुकाया होगा। और आखिरी शेर पे दाद चाहूंगा, शेर का जो मेरी गजल का जो पूरा उनवान है, जो एक इसका मकता है, कल रात हवा नहीं अल्फाज बह रहे थे,
कल रात हवा नहीं अल्फाज बह रहे थे, मुमकिन है कल तुमने मेरे खतों को जलाया होगा, मुमकिन है कल तुमने मेरे खतों को जलाया होगा। तो चलिए अच्छी बात है, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।